हरे कृष्णा। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्र शिक्षा व अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और ये शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितमृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में वे प्रबुद्ध भक्त तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण, अत्यंत सरल परंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कथा आती है, एक बार यशोदा मैया और नंद बाबा ने इच्छा करी कि लाला हम लोग ना जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? गंगा स्नान के लिए। इसकी बड़ी महिमा सुनिए गंगा स्नान की। तो गंगा स्नान के लिए जाएंगे हरिद्वार, यमुनोत्री गंगोत्री की ओर जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति ने वृंदावन लीलाओं में, भौम वृंदावन लीलाओं में सहयोग कर लिया है, आ गए हैं, अब उन्हें वृंदावन त्याग कर मैं जाने, वृंदावन त्याग कर जाने नहीं दूंगा। कृष्ण ने यशोदा मैया और नंद की इच्छा से वहीं पर ही मानस से गंगा प्रकट करी। नाम क्या पड़ गया? मानसी गंगा। मानसी गंगा वहां पर प्रकट हुई। एक बार भगवान से कृष्ण के मन में आया कि चलो यशोदा और नंद बाबा को बिना बताए एक लीला करते हैं। राधा रानी और कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुंच चुके हैं। पौगंड जानते क्या होता है? 5 वर्ष की आयु से अबव हो चुके हैं, ऊपर हो चुके हैं, 5 वर्ष की आयु से अधिक। इससे पहले की जो लीलाएं थी वो 5 वर्ष से नीचे। 5 वर्ष से बड़े श्रीमती राधारानी और कृष्ण पौगंड अवस्था में व्यक्ति को भान होता है सही क्या है गलत क्या है। छोटे बच्चे को कपड़े उतार के घुमा दो, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, कहता है कोई बात नहीं है। लेकिन 5 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा होगा उसको शर्म आती है। यही पौगंड अवस्था है। पहले जमाने में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो था नहीं, तो कैसे पता चलेगा बच्चे ने पौगंड अवस्था पार कर ली है? उसकी शर्म को देखते हुए बच्चे के माता पिता कहते थे पौगंड। यशोदा मैया जब कृष्ण को स्नान कराती थी तो कृष्ण कहते मैया अब तेरे हाथ से नहीं नहाऊंगा, क्योंकि है ना मुझे बड़ी शर्म आती, लज्जा आती है, तू मेरे कपड़े उतार देती, ऊपर से लोटे से पानी, अब मैया मैं अकेले नहाऊंगा। तो यशोदा मैया समझ गई क्या बन गए हैं, पौगंड अवस्था में। ऐसी पौगंड अवस्था में और प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, और भगवान की तो बहुत ही ज्यादा भावनाएं जागृत होती हैं। तो भगवान ने एक लीला करी, यशोदा मैया की प्रिय गोपी राधा रानी जो उनके घर में रोज उनके लिए कृष्ण का प्रसाद बनाती हैं, मक्खन दही मटके उठा करके सरोवर के किनारे खड़ी है, मानसी गंगा के किनारे, और कह रही हैं हमें बरसाना जाना है, इस पार नंदगांव, इस पार बरसाना। तो एक बड़ा सरोवर, अभी तो छोटा रह गया, मानसी गंगा बड़ी है गोवर्धन। बोले हमें उस पार जाना है मानसी गंगा के, कोई नाविक नहीं दिख रहा है। कहा कि नाविक? कृष्ण बोले इधर से जोर से चिल्लाते हुए आए, अरे नाविक क्या ढूंढती हो, नाविक है ना हम। बोले अरे आप तो छोटे से नाविक है। कहा छोटे नहीं है, हम नाव पार कराते हैं, हमने अच्छे अच्छों को भवसागर पार करा दिया। कराया कि नहीं कराया?
नैया को पार करने वाले नाविक बोले चढ़ जाइए सबको पार करा देंगे, बैठे तो सारी गोपियां चढ़ गई अपने अपने मटके लेकर के। और अभी मानसी गंगा में जैसे ही नाविक ने अपनी नाव चलाना प्रारंभ किया, क्योंकि वो विशेष लीला करने के मकसद से ही वहां विराजमान हुए, आके बैठ गए। नाविक ने नाव चलाना प्रारंभ किया, थोड़ी ही दूर निकली थी तट से, जोर जोर से शोर मचाने लग गए। कहते हैं अरे मेरी नाव डगमगा रही है, इसमें भार ज्यादा हो गया है, इसमें से कुछ भार कम करना पड़ेगा। सारी गोपियां डर गई, बोली अरे नाव डूब जाएगी, बताइए नाविक क्या कम करना है। अभी अपना रूप बदल रखा है कृष्ण ने, पगड़ी बांधी है, मूछे लगाई है, शरीर के ऊपर वस्त्र नाविक के पहने हैं, हाथ में चप्पू है, बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा कि कृष्ण है। राधा रानी कहती है बताइए बताइए नाविक करना क्या है। कहा भार कम कर दो। क्या भार कम करें? तो बोले मटके फेंक दो, दही फेंक दो, दूध फेंक दो। बोले बड़ी मेहनत से हमने इसको अर्जित किया है। तो कृष्ण यहां शिक्षा देते हैं कि अगर नाव पार करानी है अपने जीवन की, तो अपने अहंकार रूपी जो आपने अर्जित किए हैं दही माखन के मटके पानी में, जब ये भार कम होगा तब नाव डगमगानी बंद होगी। डगमग करती है ना नाव हमारे जीवन की, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख चल रहा है। तो नाव डगमगा रही है, बच सकते हैं अगर हम दही माखन के मटके पानी में फेंक दें। सबने फेंक दिए, टपा टपा सबने फेंक दिए। कृष्ण कहते हैं अभी भी भार ज्यादा है, और थोड़ा भार कम करना पड़ेगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरों में कंपन हो रहा है, आप में से दो तीन गोपियां आए और मेरे पैरों की मालिश करें। अरे अरे मालिश भी करवाएगा कैसा नाविक? तो गोपियां बोली नहीं नहीं हम पराए पुरुष को हाथ नहीं स्पर्श नहीं हाथ नहीं लगाएंगे। तो कृष्ण यहां पर कह रहे हैं अहंकार का जब आप फेंक दोगे, उसके बाद जाकर के आप भगवान की सेवा के लिए, भगवान कहेंगे आप सेवा करो, सेवा करो। सेवा करने के लिए तत्परता ही भक्त का लक्षण है। जो सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है वो भक्त नहीं है। भक्त मतलब सेवा। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट की पूरे विश्व में स्थापना करी, और वो लिखते हैं भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। भक्ति को अंग्रेजी भाषा में अगर हम उसको डालें तो डिवोशन, लेकिन भक्ति को प्रभुपाद ने बोला डिवोशनल सर्विस, सेवा। भक्तिमय सेवा के बिना वो भक्ति नहीं है। आपने अच्छी अच्छी बातें कर ली, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, ये भक्ति नहीं है। भक्ति किसी सीनियर वैष्णव अथॉरिटी के अनुगत में सेवा करने को भक्ति कहते हैं। जो सेवा नहीं करता, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी रहा है, उसे भक्ति नहीं कह सकते। भगवान ने शिक्षा दी। फिर गोपियां कहती हैं अभी तो ठीक है, तुम्हारे पैरों की मालिश करने के लिए हम तैयार हैं। तो दो गोपियों को भेज दिया, वो धीरे धीरे पैर पे मालिश कर रही हैं। कह रहे हाँ हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। और कुछ फिर चिल्लाने लग गए थोड़ी देर बाद, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, बोट बोट गिरने वाली है, हमारी नाव डूबने वाली है। बोले अभी क्या? बोले अभी आप लोगों के शरीर पर जो कीमती वस्त्र है इनको उतार दीजिए। गोपियां कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रोज तैयार होकर के जाती है। हम लोग मंदिर जाते हैं तो किस में जाते हैं? निक्कर टी शर्ट या फिर गंदे से कपड़े। शादी में जाना हो तो ये सुंदर आवरण, सूट टाई सब होता है हमारे पास में, है ना। लेकिन जब हम जाएंगे कहां? मंदिर, तो मैला कुचैला धोती कुर्ता निकालकर पहन के चले जाएंगे, मंदिर तो जाना है। गोपियां अच्छे अलंकारों से अपने को सुसज्जित करती हैं, उसका विशेष कारण है कृष्ण की प्रसन्नता। माताएं पूछती हैं कई बार क्या भक्त बनने के बाद हमें तैयार नहीं होना चाहिए? तैयार होना है किसके लिए? कृष्ण। पुरुष पूछता है विवाह के बाद मुझे तैयार नहीं होना चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसके लिए? कृष्ण। अब जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो कपड़ा पहनना है आपको। कृष्ण को जींस पैंट अच्छी लगती है तो वो पहनना नहीं बोला कृष्ण। जो अच्छा लगता है स्त्री के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, वो पहनकर मंदिर जाए। भक्त का रूप डालकर कृष्ण को अच्छा लगता है,
गोपियां ग्वालिन है लेकिन क्या पहन रही हैं? महंगे महंगे साड़ियां जो कि शादी में पहनते हैं वैसे। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लोग लगाते हैं गोपी डॉट्स, यहां पर लगाते हैं श्रृंगार में, गोपियों से आया गोपी डॉट। आज भी वृंदावन के सभी प्रतिष्ठित विग्रहों के अंदर रोज सुबह चंदन तिलक लगा के गोस्वामी क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। क्यों? कृष्ण गोपियों के लिए तैयार हो रहे हैं और गोपियां कृष्ण के लिए तैयार हो रही हैं। इसमें बीच में सबके परिवार हैं, सबके पति हैं, सबके बच्चे हैं, किसी के लिए कोई तैयार नहीं होता, सब कृष्ण। ऐसी भावना थी। कृष्ण बोले उतारो उतारो ये आभूषण, ये अलंकार, ये वस्त्र। अब सब बोले कैसे उतारे? कृष्ण बोले जान प्यारी है या फिर वस्त्र प्यार? बोले जी जान प्यार। बोले ठीक है। तो सबने अपने अपने आभूषण, अलंकार, सिर के ऊपर हाथों के कंगन सब। भगवान यही कह रहे हैं, धन का लोलुप व्यक्ति कभी मेरी शरण में नहीं आ सकता। अन अभिलाषिता शून्यम, जब व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाएं, तब व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति के अंदर अभिलाषाएं हैं, डिजायर्स, तब तक भगवान उसको अपनी ओर आता हुआ देखते भी नहीं है। ठीक है, आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे आ रहे, भीड़ है। दो भक्त थे, उनका नाम था राका और बांका। राका हस्बैंड, बांका उसकी वाइफ, पत्नी, हस्बैंड वाइफ राका बांका। राका जा रहे थे रस्ते में और बांका पीछे पीछे आ रही थी, और दोनों उत्कृष्ट भक्त, शिरोमणि भक्ति के, जहां तक देवी देवता भी उनको अनुगमन करते। अरे आज राका ने क्या किया, आज बांका ने क्या किया। राका जा रहे थे रस्ते में, राका को एक सोने का कंगन पड़ा मिल गया, ब्रासलेट कंगन। राका ने क्या किया, उठाकर उसको मिट्टी में दबाने लग गए। पीछे से बांका, उनकी पत्नी आई, राका दबा रहे थे कि पत्नी देख ना ले, सोने का कंगन देख लिया तो माताओं की डिमांड बहुत होती है, तुरंत बोलेगी एक मिल गया दूसरा और ला दो, दोनों को। बांका को आता देखकर राका ने मिट्टी में उस कंगन को दबाने का प्रयास किया। जब वो आई, पूछे क्या कर रहे हैं पतिदेव? कहा कुछ नहीं, मैं सोने का कंगन दबा रहा था, कहीं तुम्हारे नेत्र उस पर ना पड़ जाए, आंखें तुम्हारी उस पर ना पड़ जाए, कहीं तुम्हारी इच्छाएं जागृत ना हो जाए, तुम्हारी भक्ति विमुख ना हो जाओ। तो बांका कहती, सोने के कंगन को आप दबा रहे थे मिट्टी में? अरे मिट्टी को मिट्टी में दबाता है क्या कोई? तब राका को पता चला बांका की स्थिति राका से भी ऊंची, पति से भी ऊंची भक्ति पत्नी की थी। तब भगवान प्रसन्न हो जाते ऐसे भक्त पर। तो भगवान ने कहा अपने आभूषण अलंकार उतार दो, सभी गोपियों ने उतार दिए। आप देखिए कृष्ण जो कह रहे हैं सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा यज्ञ नाम जपो, यज्ञों के अंदर मैं कौन हूं? जप। गीता में भगवान ने कहा, आप में से गारंटी है कितने लोग जप करते होंगे, अभी हाथ खड़ा कर लो, हाथ जप नहीं करते। कृष्ण की बात मानते नहीं फिर मंदिर जाते क्यों हो? झूठ है, धोखा है, भगवान को धोखा देना। भगवान को आपका दिया अगरबत्ती नहीं चाहिए। भगवान ने कहा यज्ञों में मैं जप हूं। भगवत गीता 10वां अध्याय 25वां श्लोक पढ़िए जाकर के, कहीं की भी गीता उठा लीजिए। जप नहीं करते, भगवान का हरि नाम नहीं करते, फिर हम कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हमने सारे तीर्थ किए, हमने सारे धाम किए, सब बेकार। जो हरि नाम नहीं जपता उसका सारा का सारा जीवन निष्फल हो जाता है। भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते, उसके द्वारा दिया गया तप, उसके द्वारा दिया गया दान, उसके द्वारा दिया गया कोई भी सेवा, कृष्ण कहते हैं मुझे ये अस्वीकृत है। कलयुग में व्यक्ति को जप करना पड़ेगा और उसी को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। कृष्ण का रूप, राधा रानी का स्वरूप, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम के संकीर्तनम प्राये यजन्ते ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, तुषा कैसी है? त्वचा कृष्ण के जैसी नहीं है, सुंदर गोरे रंग के भगवान। संगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने साथ किसको लेके आए? अपने अनेक पार्षदों को लेकर के आए। नित्यानंद, अद्वैता, गदाधर, श्रीवास, हरिदास ठाकुर, अनेक अनेक भक्त मंजरियों को लेकर के महाप्रभु आए। क्या करने? यज्ञ संकीर्तनम प्राये, यज्ञ कराने के लिए। कौन सा? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र।
इस कथा के बाद, इसको सुनने के बाद, शास्त्र प्रमाण देखने बाद, आप बताइए कौन होगा जो मंत्र जप नहीं करेगा? बताइए कौन होगा? कौन होगा जो शास्त्र सुनने के बाद, कृष्ण की वाणी सुनने के बाद, प्रमाण देखने के बाद जप नहीं करेगा? कौन होगा वो? हाँ जी, क्या होगा? मूर्खानंद, मूर्खानंद। और कई ऐसे भी हैं, कहते हैं अजी उसका नाम क्या जपना जो बिना गिने देता है, अनगिनत देने वाले का क्या गिनना। ऐसे उनकी संप्रदाय है मूर्खानंद स्वामी संप्रदाय। तो मूर्खानंद स्वामी संप्रदाय का अनुगमन नहीं करना है, वैष्णव संप्रदाय का अनुगमन करना है। भगवान ने चार ही संप्रदाय दी है कलयुग में, जिनके द्वारा भगवान कहते हैं व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है। चतवारी संप्रदाय ने, उसमें से एक है इस्कॉन ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। कहते हैं अगर किसी ने इस संप्रदाय विहीन कहीं से, किसी बाबा जी से, टीवी से, कहीं से जप ले लिया, तो क्या वो व्यक्ति का जप भगवान स्वीकार करेंगे? कहते हैं परंपरा विहीना मंत्र निष्फल मतः, उसका मंत्र निष्फल हो जाए। कई लोग बोलते हैं हम क्यों दीक्षा ले, हम क्यों पर संप्रदाय में जुड़े, हमारा तो भगवान हमारे मन में है, हमारे तो माता पिता ही भगवान है। अजी सम्मान सबका करना है, लेकिन भगवान एक है अनेक नहीं। उस भगवान ने संप्रदाय बनाई, इस संप्रदाय को जुड़े, उसके द्वारा अनुगत ज्ञान प्राप्त करें और जप करें, तब कृष्ण स्वीकार करें। मुझे आपके घर में आना है, आ जाऊंगा इसी, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। बोलेंगे प्रभु जी को कैसे बुलाया जा सकता है? बोलेंगे नंबर ले लो इनका, फिर नंबर में फोन करेंगे आप कब फ्री हैं, फिर उसके बाद में हम आपके घर आ सकते हैं। तो क्या कृष्ण के घर में कोई भी जा सकता है? कृष्ण का मेरा नंबर है, नंबर ले लो मेरा, फोन नंबर, रोज मिलाओ और मुझसे पूछो कब आप फ्री हो। जब मैं फ्री होऊंगा तब आपको बुला लूंगा। नंबर क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने कहा ये मेरा मंत्र है, इसी नंबर को क्या करो, मिलाओ, बार 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 जप करो। और जब तक सही रूप से नंबर नहीं मिलेगा, मैं आपको घर पे बुलाने वाला नहीं। नंबर मिल जाएगा, दोस्ती हो जाएगी भगवान से, तभी तो जाएंगे किसी के घर में। जब इस भौतिक संसार में हम बिना नंबर मिलाए, बिना किसी से अपॉइंटमेंट लिए, बात करे, किसी के घर नहीं जाते, तो क्या गोलोक वृंदावन धाम में चले जाएंगे? तो उसके लिए जप करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा अब मैंने इनके अलंकार निकाल दिए, इनके आभूषण निकाल दिए, इनके वस्त्र निकाल दिए, इनका दही माखन निकाल दिया, इनसे सेवा करवा ली, अब तो मुझे इनको दर्शन। भगवान ने आगे की लीला विस्तार किया, जोर से इशारा किया, आकाश में बादलों का समूह आ गया। पूरा का पूरा मानसी गंगा के ऊपर ऐसा लग रहा था मानो विशेष बादलों से बारिश होने वाली है, बारिश का समूह बन गया, तेज बारिश होने वाली है और तूफान चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है। राधा रानी घबरा गई, इतनी रात्रि में कैसे जाएंगे, दिन के अंधकार हो गए। राधा रानी इतनी घबरा गई तो कृष्ण कहते हैं आप में से जिन जिन गोपी को डर लग रहा है वो मेरी ओर आ जाए, मेरी ओर आ जाए। तो आधी गोपियों में से राधा रानी को कहते हैं सब, तुम प्रमुख हो, तुम चली जाओ, पता नहीं ये आदमी नया है, हम लोग तो बड़े तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। खाचा ठीक है मैं चली जाती हूँ, वहां बैठ गई। अब नाव को हिलाने लग गए, है ना, जोर जोर से तूफान में नाव हिल रही है। राधा रानी घबरा करके कृष्ण को ऐसे पकड़ ली, तो सारी गोपियां बोली अरे ध्यान से पकड़ना, पराया पुरुष है पराया। कहती हाँ हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जब ऐसे अलिंगन की थी तो पीछे धोती के अंदर कुछ एहसास हुआ, कुछ छुपा हुआ है, तो जब ऐसे करके पीछे डाली हाथ तो क्या निकला, बांसुरी निकल आई। तो सारी बोली दूर रहो दूर रहो। राधा रानी बोली अरे इसी के लिए तो मैं अवतरित हूँ, इसे दूर कैसे रहूं। पूरा एकदम पकड़ के रखी और फिर क्या कहती हैं गोपियों को बताती हैं, अरे ये कोई श्याम नाविक नहीं है, ये कौन है, ये श्याम सुंदर है, ये श्याम सुंदर। सारी गोपियों को बहुत गुस्सा आया, इतनी देर से ये ड्रामा कर रहे थे। बोले इनके साथ इनको बदला लेना पड़ेगा। कैसे बदला ली, दो गोपियों ने दो हाथ पकड़ लिए और दो गोपियों ने दो पैर पकड़ लिए और फिर क्या बोली, अरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, फेंक दिया शबाक से उठा के। कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार किया बताओ तो। कृष्ण की मानसी गंगा में, उन्हीं के मन से प्रकट होने वाली गंगा में विशेष लीला राधा कृष्ण ने करी। वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी का विवाह होने की तैयारी हो गई। बोले बहुत लीलाएं हो गई, अभी समय है इस भौतिक संसार में विवाह। सभी माता पिता को चिंता होती है पुत्री का विवाह हो जाए, विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। सबसे बड़ी चिंता माता पिता की बेटी का विवाह। बेटी का विवाह कर दिया उन्होंने अभिमन्यु नाम के एक गोप के साथ में, जो कि विष्णु भगवान के ही अंश हैं। उन्होंने पूरा जीवन श्रीमती राधा रानी को स्पर्श नहीं किया, विष्णु ने राधा रानी को स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के संगी हैं, उनकी हलादनी शक्ति हैं। विष्णु को हक है लक्ष्मी को स्पर्श करने का, नारायण को हक है लक्ष्मी को स्पर्श करने का, परंतु नारायण कभी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? कृष्ण में और विष्णु में क्या भेद है? विष्णु भगवान और कृष्ण में ये भेद है, कृष्ण में 64 गुण है और विष्णु में 60 गुण। आप कहेंगे ऐसे कैसे, विष्णु में चार गुण कम कैसे? विष्णु भगवान कभी बांसुरी बजाते हैं क्या? उनके अंदर है वेणु माधुरी, बांसुरी बजाते हैं भगवान। भगवान के अंदर है रूप माधुरी, विष्णु भगवान को देख करके डर लगता है। अर्जुन भी घबरा गए थे विराट रूप देख के, बोले प्रभु इसको बंद कर लीजिए, ये देखा नहीं जा रहा है। तो भगवान की रूप माधुरी, भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं करी कभी विष्णु की लीलाएं सुनी क्या? ऐसे रासनृत्य वाली लीला माधुरी। तो भगवान के अंदर और जो श्रीमती और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ने प्रेम की पराकाष्ठा का एक इतिहास रचा, शास्त्रों के अंदर प्रमाण दिया प्रेम किसे कहते हैं। और उनके प्रेम को लोग, साधारण लोग क्या समझते हैं? कृष्ण करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन वो समझते नहीं है कृष्ण और राधा रानी का प्रेम विष्णु और लक्ष्मी के पास नहीं, सीता राम के पास नहीं, लक्ष्मी नारायण के पास नहीं, पार्वती और शिव के पास नहीं, ब्रह्मा और सरस्वती के पास नहीं, वो है राधा कृष्ण। सभी देवी देवताओं को प्रकट करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा। उनके प्रेम का व्याख्यान चैतन्य चरितामृत के अंदर भगवान चैतन्य ने किया। क्या कहते हैं? काम प्रेम दोहकारा विभिन्न लक्षण। काम में और प्रेम में अलग अलग लक्षण है। क्या लक्षण है? काम प्रेम दोहकारा विभिन्न लक्षण, लोह और हेम याचे स्वरूपे विलक्षण। लोह और हेम, हेम होता है सोना और लोह होता है लोहा। किसी माता का एनिवर्सरी हो और पति लोहे का कंगन ला दे तो एनिवर्सरी रह जाएगी, कलेश हो जाएगा घर के। लेकिन सोने का लाए तो अच्छी बात है। लोह और हेम याचे स्वरूप विलक्षण, दोनों का स्वरूप ही अलग है, ऐसे जैसे काम और प्रेम। इस संसार में जो हमें दिखता है पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, ये सारे प्रेम के पीछे कोई ना कोई इच्छा है। पुत्र से इच्छा है बड़ा होकर मेरी बूढ़ी लाठी का सहारा बनेगा, पति से इच्छा है मेरी इच्छाएं पूरी करे, पत्नी की इच्छा है, पति को इच्छा है कि पत्नी मुझे अच्छा प्रसाद बना के खिलाए, अच्छा खाना बनाए। काम और प्रेम दोनों अलग अलग चीज है। इस संसार में प्रेम होता ही नहीं है। जिसे हम प्रेम बोलते हैं, चाहे वो लव मैरिज ही हो, प्रेम विवाह, लेकिन वो सही मायने में काम विवाह है। इच्छाएं छुपी हैं कुछ ना कुछ एक, और वो काम के अंतर्गत आता है। प्रेम के अंतर्गत क्या आता है वो आप सुनेंगे। प्रेम उसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन त्याग करके चले गए, उसके बाद भी श्रीमती राधा रानी के मुख से एक ही चीज निकलती थी, क्या?
लोग कहते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, अगर आंखों के दृश्य से दूर हो जाए तो व्यक्ति दिमाग से भी चला जाता है, जिससे झगड़ा हो जाए ना, लोग कहते हैं अरे यार उसकी ओर देखो ही मत, देखोगे नहीं तो एक समय तुम्हारे दिमाग से चला जाएगा, देखो मत। लेकिन कृष्ण 100 वर्षों के लिए, 100 सालों के लिए राधा रानी से दूर है, फिर भी राधा रानी के मुख से एक ही चीज निकलती है, कृष्ण आप कब आएंगे, कृष्ण। और वो प्रेम को हम संसार में किसी को भी पीला कपड़ा पहना दो, राधा रानी का घाघरा पहना दो और स्टेज पे चढ़ा दो, वो क्या है, बोले ये प्रेम रासलीला कर रहे हैं। प्रेम शब्द बोलना ही गलत है, इस संसार में है ही नहीं। जैसे हारमोनियम प्रभु जी बजाते हैं, अच्छा सुर निकलता है कि नहीं निकलता है, क्योंकि हारमोनियम बजा रहे हैं। अगर किसी पट्टी पर लिख करके सारे गामा की सरगम दे दो और उसको बोलो सरगम बजाओ, निकलेगी आवाज, सरगम दोनों है, ये भी है वो भी है, क्या फर्क है। गांव देहात के अंदर जो बच्चे हारमोनियम सीखने के लिए, हारमोनियम खरीदने का पैसा नहीं होता, वो मास्टर लोग, उनके टीचर अध्यापक कहते हैं आप ना लोहे की पट्टी पे सरगम लिख लो और बोलो मुंह से सा रे गा मा पा धा नी, बोले इसी तरह से वो निकालते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है सरगम की, सुर लिपियां पता चल जाती हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धी धी ना ना सा 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 रे गा मा मगर था, जब समझ में आ जाता है तब वो कहते हैं अब आप हारमोनियम खरीद लेते हैं। तब जब व्यक्ति हारमोनियम बजाता है तब पता चलता है ओ सुर तो ये होते हैं, मैं तो मुंह से कुछ और ही निकाल रहा। जब कृष्ण से प्रेम होता है, जब कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, तब जीवन में जब परिवर्तन आता है तब व्यक्ति को पता चलता है अरे प्रेम इसे कहते हैं, अभी तक जो मैं संसार से कर रहा था वो तो काम था, प्रेम तो मैंने किया ही नहीं। काम प्रेम दो हकारा विभिन्न लक्षण, दोनों का विभिन्न लक्षण है, लोह और हेम याचे स्वरूपा विलक्षण, दोनों का स्वरूप विलक्षण। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी का विवाह किससे हुआ, अभिमन्यु से हुआ। उनके घर में उनकी सास भी है और ननद भी है, सास ननद द्वापर युग में भी वैसी थी। आप लोग हंस क्यों रहे, अच्छी नहीं होती। तो यहां पर जटिला नाम की उनकी सास है, कैसी है जटिला, नाम से ही पता चलता है बड़ी जटिल है, उसको समझाना कोई भी चीज बहुत जटिल है, मुश्किल, जटिला। और उनकी जो ननद है, उनके अभिमन्यु की बहन, उसका नाम है कुटिला, क्या नाम है, कुटिल है बड़ी, कूटनीति लगाती रहती है, कहां गई होगी राधे, कुटिल और जटिल दो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमेशा रहेंगे। राधा रानी कह रही है कोई ना कोई कुटिल व्यक्ति मिलेगा, कोई ना कोई जटिल व्यक्ति मिलेगा, फिर भी इन कुटिल और जटिल से बचते हुए आपको प्रयास करना है, किससे मिलने का, कृष्ण से, बस यही भक्ति है। संसार की कितनी भी जटिलताएं आए, कितनी भी कुटिलताएं आए, प्रयास क्या हो, छुप छुपा के बच बचा के किससे मिलना है, कृष्ण से। ये जिस दिन भाव जागृत हो गया, आह भक्ति का प्रारंभ। जटिला और कुटिला जिस घर में रहती थी अभिमन्यु के साथ, उस गांव का नाम है जावट, कुछ लोग उसे यावट कहते हैं, कुछ लोग उसे जावट कहते हैं। नंद गांव के पास ही में आज भी वो विराजमान है स्थान, जावट स्थान, जहां पर कौन कौन रहते हैं, राधा रानी, अभिमन्यु, जटिला। अभी परिवार का इंट्रोडक्शन हो गया तो अभी लीला समझ में आएगी आपको। तो ये गोपियों में जो अग्रगण्य गोपी है श्रीमती राधा रानी, इनका प्रेम कृष्ण से बहुत निराला है। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भावनाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नाही काम। इनका प्रेम विशुद्ध निर्मल है, अंदर कोई भावना नहीं है काम की, काम इच्छा नहीं है। हमारी संसार में कैसी इच्छा है, काम, और राधा रानी की कैसी इच्छा है, प्रेम। इसलिए प्रेम लीला को काम लीला से जोड़, कभी कभी सहजिया लोग सहज रूप से इस लीलाओं को समझते हैं और वो क्या करते हैं, राधा रानी का जैसे ही भजन होगा
मुंह में कपड़ा लगा लेंगे और नाचने लगेंगे। तो मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कहा हम राधा रानी पे कथा करने जा रहे, तो बोले प्रभु जी कहीं आप तो वैसे नहीं करेंगे कपड़ा लगा करके ऐसे और ढोलकी लेके राधे राधे शाम मिला दे। मैं कहा नहीं नहीं हम तत्व पे चर्चा करेंगे। बोले नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा तो प्रयास करेंगे समझाने का, श्रीमती राधा रानी की शक्ति से सब समझेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहा है हाथ खड़ा करके बताइए। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा साथ में ठीक है। तो राधा रानी की कृपा से ही हम भी समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर लीला आ रही है। कृष्ण बड़े चतुर थे, जिस ओर भी गोपियों को देखते थे गोपियां उनका अनुगमन करती थी। लेकिन कई बार गोपियों के मन में आता था यशोदा भाग्यशाली है, रात दिन लाला को श्रृंगार करना, मक्खन खिलाना, भोग लगाना, और मैं कैसी हूं। और गोपियां कहती हम कैसे हैं। कृष्ण गौचारण के लिए जाते हैं तो पीछे पीछे ग्वाल बाल, लौट कर आते हैं तो गाय इधर सुदामा श्रीदामा सारे आगे पीछे रहते हैं, कभी हमको मौका ही नहीं मिलता कृष्ण से बात करने का। तो कृष्ण भी क्या करते थे, वृंदावन के सबसे बड़े नटवर नटवर नागर ऐसे नाटक करते हैं। कर्णिका का एक पुष्प होता है, उसमें पंखड़ियां होती, नीले रंग का पुष्प होता है। कर्णिका का पुष्प पहले से ही बता रखा है गोपियों को, जिस ओर जाऊंगा ना कान पे वहीं का फूल लगाऊंगा। तो ग्वाल बाल पूछते हैं लाला आज कहाँ जाएंगे, आज कहाँ जाएंगे गौचारण के लिए, अरे इधर जाएंगे इधर, और कर्णिका का फूल इधर लगा लिया। तो गोपियां समझ गई बीच में से है ना कल्टी होकर के आ जाएंगे इधर बीच में से कुछ धोखा देंगे अपने ग्वाल बालों को और इधर आएंगे। सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं इतना ऊंचा स्थान भगवान श्री कृष्ण का कितने सुंदर है, भगवान की सुंदरता का व्याख्यान। ब्राह्म पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रत वासम कनक पीसम वैजंती चमालाम रंध्रान वेनोर अधर सुधाय अपूरयन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्रवशन्ति गीत कीर्तिहा। ब्रह्मा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बरहा पीडम। कृष्ण क्या लगाते हैं मस्तक पे, मोर का पंख, बरहा पीडम, और साथ में कर्णियो कर्णिकारम कान पे कर्ण पे कर्णिका का पुष्प लगाते हैं। विभ्रत वासम कनक कपीसम कैसे वस्त्र पहनते हैं, कनक के जैसे, कनक मतलब सोना है ना, बोलते कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए जा खाए बोराए जग बापाए बोरा। तो कनक मतलब पाते हैं तो लोग बोरा जाते हैं, ज्यादा धन आने से भी लोग पागल हो जाते हैं, अरे धन 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 हार्ट अटैक हो गया इतना धन। तो बाप पाए बोराए कनक कपीसम, भगवान का वस्त्र कैसा है, सोने के जैसा, पीताम्बर धारी भगवान। वैजंती चामालाम, माला किसकी पहनते हैं, वैजंती पुष्प की माला भगवान को प्रिय है। रंध्रान वेनुर अधर सुधाया, अधर मतलब ओट पे क्या रखते हैं, वेनु भगवान की बांसुरी का नाम है, बांसुरी को वेणु बोलिए, भगवान की बांसुरी नहीं है, बांसुरी वो होती है जो प्रभु जी बजाते हैं है ना, वेणु होती है जो कृष्ण बजाते हैं, उनका नाम है। भगवान के धनुष का नाम है सारंग धनुष, भगवान की गदा का नाम है कुमोद की, भगवान के चक्र का नाम है सुदर्शन, ऐसे ही भगवान की बांसुरी का नाम है वेणु। ये नहीं किसी को भी कुछ भी, भगवान भगवान के बंदर का नाम कल बताया था क्या है, दही का लोभी है, दधी लोभी। ऐसी राधा रानी का भी एक बंदर है, उसका क्या नाम, बंदरिया है उनकी, केतकी नाम की बंदरिया, केतकी नाम की बंदरिया, सुबह हमने बताया केतकी नाम की बंदरिया। तो भगवान की लीलाओं में सबके एक विशेष नाम, विशेष लीला, विशेष विशेष लक्षण है। अपूर्यन गोप वृंदे, और अपने गोप वृंद के साथ में भगवान रमण करते हैं, कहां, वृंदा अरण्यम स्वपदम रमणम, चलते हैं पग पग पर स्वपद, कैसे हैं, कमल के जैसे चरण है श्री कृष्ण के, और भगवान चलते हैं उस वृंदावन अरण्यम के अंदर, उस वृंदावन के वनों के अंदर। प्रवशंती गीत कीर्तिहा,
और साथ में गोप वृंद उनकी कीर्ति का गुणगान पीछे करते रहते हैं। इस तरह का सुंदर वातावरण वृंदावन वातावरण है। थोड़ा सा कीर्तन भजन करने से हमें वृंदावन का एहसास है। उन ग्वाल बाल गोपियों का सोचिए जो सदा कृष्ण के साथ यही करते रात दिन, क्या हाल होगा? मन लगेगा किसी और चीज में? किसी और चीज में मन नहीं लगता है। जब भगवान ने कालिया नाग का दमन किया, कालिया दमन विधान, तो भगवान ने कई सारी लीलाएं करी और उसमें विशेष लीला थी, भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के ऊपर क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे। भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, अपनी वेणु बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और स्टेज कैसा है? कैसा स्टेज है? उसके फन आगे पीछे नीचे होते हैं। अगर आगे पीछे हो आप डांस कर सकते हो? लेडी संगीत में, कीर्तन में, मंदिर ऐसे ऐसे हिल रहा हो, कर पाएंगे डांस? और फिर बोल देंगे अरे स्टेज टेढ़ा है, फिर लोग बोल देते नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे आंगन टेढ़ा होगा नाचेगा कैसे व्यक्ति? लेकिन एक व्यक्ति है जो टेढ़े आंगन में नाच सकता है, कौन है? कालिया दमन विधाना। जब कालिया नाग का वध कर रहे हैं तो भगवान ने नृत्य किया है कालिया नाग के ऊपर। इस बात को देखने के लिए बहुत सारे ग्वाल बाल सखाए, सभी घबरा गए। यशोदा मैया को पता चला कालिया नाग के विषैले पानी में कूद गए हैं कृष्ण बच्चों की गेंद निकालने के लिए। इस बात को सुनकर के यशोदा मैया बेहोश, नंद बाबा रुदन कर रहे हैं, चीख रहे हम भी कूद जाएंगे। ग्वाल बाल कह रहे हैं बाबा बहुत घबरा रहे हैं हम सब, बलराम जी बाहर खड़े। बलराम जी की विशेष सेवा है, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो सभी के मनोभाव को परिवर्तित करना। बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे। लोग बोल रहे अरे यहाँ टेंशन नहीं, हंस रहे क्यों? हंस रहे हो भाई? तो बलराम जी इसलिए हंसते थे, विभिन्न प्रकार का रस आस्वादन करता कराते थे, विपरीत रस का आस्वादन उसका कारण है, ताकि सभी के मन में से जो चिंता उसको। और बलराम जी किसका स्वरूप है? गुरु तत्व प्रतिनिधि, बलराम के ही प्रतिनिधि हैं गुरु। तो जो ये गुरु हैं ये हमारे जीवन में क्या करते हैं? हमको ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता शक्ति प्रदान करते हैं विशेष, जिससे हम ऐसी परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को कायम रख सकें। देखिए दुख तो निश्चित रूप से आपके प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार आएगा, परंतु उसको सहन करने की शक्ति आपको गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। और गुरु कौन? गुरु वो जो प्रमाणिक परंपरा में आते हैं, ये नहीं किसी को भी गुरु जी बना लिया। नकली गुरु जो होते हैं उनके चेले भी नकली होते हैं। गुरु जी चाय पी सकते हैं? हाँ पी लो, हम भी दो कप पीते हैं। गुरु जी लहसुन प्याज खा सकते हैं? हाँ खा लो, हम भी खा ही लेते हैं कभी कभी। गुरु जी हम तो है ना कृष्ण से मन नहीं लगा पा रहे हैं, क्या हम गणेश जी की पूजा कर लें? वही ठीक है, विघ्न विनाश हो जाएंगे। हाँ बेटा कर लो, मेरे मेरे जो है ना दक्षिणा में कमी मत करना। नकली गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी होने चाहिए प्रमाणिक, जिनके जीवन में भक्ति प्रदान करना ही मूल लक्ष्य है, कैसे भी करके, चाहे वो मंदिर निर्माण करके भक्ति दे, चाहे वो हरिनाम दीक्षा दे के भक्ति दे, चाहे वो व्यक्ति को ग्रंथ शास्त्र श्रवण करा के भक्ति दे, भक्ति उनका मुख्य उद्देश्य है जिसलिए वो यहाँ आए, उद्धार। इस प्रकार से कालिया दमन लीला में जब भगवान नृत्य कर रहे थे, बलराम जी हंस रहे थे, सभी के मन के भाव को परिवर्तित कर रहे थे, राधा रानी और गोपियां भी बड़ी चिंतित थी। राधा रानी का विवाह हो चुका है, राधा रानी गोपियों के साथ बजती हुई जा रही है और कृष्ण को देख करके क्या कहती हैं? हाय राम, इतना सुंदर कौन है जो सांप पर नाच रहा है? अब ये वही है जिनके साथ इतनी लीला करके गई हैं विवाह करके। लेकिन राधा रानी का ऐसा स्वभाव है, नित्य नवीन कृष्ण को पाती हैं वो। कृष्ण को देखती हैं तो कहती हैं ये कौन है? एवर फ्रेश, उनके लिए कृष्ण सदा नवीन नूतन रहते हैं। हम मंदिर जाएंगे एक बार प्रणाम करेंगे मंदिर में, दो दिन जाएंगे, तीन दिन चार दिन बाद हम कहेंगे चलो कहीं घूम के आते, किसी और वृंदावन का मंदिर जाते हैं, चलो जगन्नाथपुरी जाते हैं, चलो मायापुर जाते हैं। क्यों? यहां भगवान नहीं क्या?
क्योंकि हमारी अभी वो अनुभूति नहीं, क्योंकि वो महाभाव स्वरूपा ठकुरानी श्रीमती राधा रानी, अभी हमें तो प्रेम ही नहीं हुआ तो महाभाव कहाँ है। ऐसी स्थिति में हमें रोज रोज मंदिर जाके बोरियत हो जाती है, भगवान के विग्रह से कोई संबंध नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा भक्तों से प्रेम कर लो, भगवान से नहीं हो रहा है। भक्तों के माध्यम से तो आप मंदिर जाओगे कम से कम, हाँ हम इस भक्त से मिलने के लिए मंदिर जाते हैं, क्योंकि कृष्ण से तो प्रेम है नहीं ना। लेकिन अगर कोई जीवन में भक्त ना हो तो आप मंदिर नहीं जा पाएंगे, इस बात निश्चित है। कोई भक्त होना चाहिए पूछने वाला, आप मंदिर नहीं आए प्रभु जी, आप कब आएंगे। उस भक्त के कारण जाते 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 एक दिन हम कृष्ण के लिए मंदिर जाने लगे। भगवान की इस लीला को देखा मन में व्याकुलता उत्पन्न हो गई। पूर्णमासी को आकर के कहती हैं, मैंने उस व्यक्ति को देखा है ना, मैं ना मतलब क्या बताऊं, मेरा विवाह भी हो चुका है, मुझे देखना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा ना मैं क्या बताऊं, अब बता नहीं रही है, चुप मन के अंदर। आकर के कहती है पूर्णमासी से, आप जानती हैं ललिता का सखी को बुलाइए, फिर मैं इस बात को वर्णन करूं। ललिता सखी को बुलाती हैं, कहती हैं मेरा तो अब संसार में जीने का ही मन नहीं करता। कहा क्यों? कहा क्योंकि मुझसे बहुत सारी त्रुटि हो गई है। एक दिन मैंने वंशी ध्वनि गोवर्धन पर सुन ली, वंशी ध्वनि सुनकर के उस वंशी ने मेरे हृदय को लूट लिया। अब मैं विवाहित हूं अभिमन्यु के साथ, परंतु मेरा मन करता है उस व्यक्ति से मिलूं जो ये वेणु, ये जो बांसुरी बजाता, तो मैं हुई कि नहीं हुई खराब स्त्री? तो ललिता कहती है हाँ। और बोली और वो जो था ना स्वरूप कालिया के ऊपर जो नृत्य कर रहा था व्यक्ति, उसको देख करके मैं भुला ही नहीं पा रही हूं, स्वप्न में वही आ रहा है नाचता हुआ नटवर, कौन था वो? और एक बार पूर्णमासी के मुख से मैंने सुन लिया, ये कह रही थी यशोदा का कृष्ण, तो जो ये कृष्ण शब्द है ये इतना टेढ़ा है, का के नीचे टेढ़ा, बीच में ड़ा के बीच में टेढ़ा, फिर ड़ा अपने आप में टेढ़ा मेढ़ा, तो ये नाम ऐसा है कृष्ण जिसका अर्थ है सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, सबको आकर्षित करने वाले नाम ने मुझे आकर्षित कर लिया। अब मेरे मुख से सोती तो हूं रहती तो हूं जटिला कुटिला अभिमन्यु के साथ, पर मुख से कभी ना कभी निकल ही जाता है क्या? कृष्ण। कहा बताओ मैं तीन तीन पुरुषों के साथ मेरा संबंध हो रहा है मानसिक रूप में, तो मैं हुई कि नहीं दुराचारिणी? मेरे के अंदर, मेरे अंदर कैसी बातें आ रही, कैसा भाव आ रहा है? ललिता हंसने लगी आपको पता ही नहीं है वो जो कृष्ण है ना यशोदा के, जिनके बारे में पूर्णमासी बोलती है, वही कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे थे। और वो जो नृत्य कर रहे थे तो आपने ध्यान से नहीं देखा, क्या बजा रहे थे? बोली वेणु बजा रहे थे। बोले वही गोवर्धन पे जब वेणु बजाते उसी की ध्वनि से आपका हृदय आकर्षित हुआ, तो आप बच गई, तीन नहीं है एक ही है, कौन? तो आपने एक ही को व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को अपना मन दिया। तो कहती क्या मैं उससे उस व्यक्ति से कभी मिल सकती हूँ? भूली गई कि कृष्ण से साथ में 5 साल तक लीलाएं करी है, क्योंकि उनके लिए नवीन नूतन है भगवान श्री कृष्ण हर रोज। श्रीमती राधा रानी के विग्रह की सेवा जब व्यक्ति करता है पुजारी, तो उनके हाथ में कभी माला देते हैं, कभी पान देते हैं, कभी फूलों का गुलदस्ता देते हैं, कभी तुलसी पत्र देते हैं। क्यों? ताकि वो श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि उनके लिए हर रोज व्याकुल होती है कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, उसी लिए तो प्रकट हुई कृष्ण की सेवा व्याकुलता के कारण। तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहती हूँ उस व्यक्ति से। ललिता बोली ठीक है मैं आपके लिए एक मिलने का आयोजन करती हूँ, एक आयोजन होगा जिसमें आप मिल सकेंगे। ठीक है, तो पासी में जब आप बरसाना से नंदगांव जाएंगे तो बीच में प्रेम सरोवर के पास एक स्थान है, इसका नाम है सांकेत ग्राम, सांकेत जहाँ संकेत होता है, तो सांकेत भी बोलते हैं संकेत भी बोलते हैं। संकेत के अनुसार जाएंगे वहां पर राधा और कृष्ण को मिलाया जाएगा। तो पहली बार जावट से आ रही हैं मिलने के लिए और कृष्ण आ रहे हैं नंदगांव से। कृष्ण भी बड़े व्याकुल हो गए जब पता चला कि आपसे मिलना चाहती हैं राधा रानी। बोले अरे जब से गई है तब से तो पलट के देखा नहीं, अब बड़ा भारी मिलना चाह रही, चलो मिल लेते। मन में तो व्याकुल है अरे मिलेगी राधा रानी। तो इस प्रकार से कृष्ण और राधा रानी के मिलने की व्यवस्था करी जाती है। जब व्यवस्था करी जाती है राधा कृष्ण मिलने लग जाते हैं, तो राधा रानी
के बारे में भक्त वर्णन करते हैं कि राधा रानी की पवित्रता के ऊपर लोगों का संदेह होने लगा। अरे ये साकेत ग्राम में जाने वाली जो हमारी बहू है ना, हमें लगता है ये यशोदा के लाला कृष्ण से मिलती है, उसका तो विवाह हुआ नहीं है, वो तो ऐसे ही घूम रहा है इधर से उधर ग्वाल बालों के साथ में, हमारे घर को और खराब कर रहा है। लेकिन है क्या ये? प्रेम की पराकाष्ठा। इसीलिए इन लीलाओं को लोग बड़े ही भूमि धरातल पर ले लेते हैं, धरातल पर कि अरे ये तो मतलब एक किस्सा कहानी है। लैला मजनू की कहानियों पे तो फिल्में बनाएंगे, और राधा कृष्ण की प्रेम पराकाष्ठा के लिए उसको बोलेंगे तो ये रास लीला ऐसी है, नीचे स्तर का। कहते हैं इसको सुनने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, पर सुनने का भाव होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले तत्व बताया, राधा रानी कौन बताया, फिर लीला। अब कई कथाकार क्या करते हैं, सीधा इन लीलाओं में प्रवेश करते हैं, बिना बताए राधा रानी कौन है, और वो नाचते रहते हैं और लोग भी नाचते रहते हैं, वो नाचते नाचते नर्क चले जाते हैं, वो बोलते बोलते नर्क चले जाते हैं। इसको बोलने और समझने के लिए बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, सतर्कता, सावधानी बरतनी पड़ेगी, कहीं हमसे भूल ना हो जाए। कोई भूल हो गई, कोई गलत डाउट आ गया राधा रानी के बारे में, कह रहे ऐसे करी उन्होंने, ऐसी छिछोरी सी लीला, बस ऐसे गया, बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए राधा रानी की कथा हर एक व्यक्ति को सुनाई नहीं जाती और सुनी नहीं जाती, बहुत विशेष प्रेम रस लीला। सांकेत ग्राम में मिलने के कारण उन पर लांछन लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण को एक दिन एक कुंज में मिलती है श्रीमती राधा रानी और कहती हैं, लोगों ने मेरा नाम रखा है व्रज कलंकनी, व्रज में कलंकनी हूं मैं, क्योंकि मैं आपके प्रेम में इतनी हूं कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूं, मैं व्रज कलंकनी हूं। है तो भगवान की शक्ति, लेकिन लीला करने के लिए बता रही हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा किसने कहा तुमको व्रज कलंकनी? कहा मेरी सास, मेरी ननद, मेरे परिवार, मेरे साथ की सखियां, चंद्रावली, चंद्रावली की सखी पद्मा, सब मुझे कहती हैं कि मैं व्रज कलंकनी हूं। कृष्ण कहते हैं ठीक है, इसका इलाज करना पड़ेगा, आपकी पवित्रता को पूरे विश्व में स्थापित कर दूंगा, पार्वती भी आपको दंडवत करेगी, ऐसी पवित्रता आपकी स्थापित करेगी। कहा अच्छा क्या करेंगे? कृष्ण बोले देखते जाओ। कृष्ण भगवान ने एक ऐसा उपाय कहा, दूसरे दिन कृष्ण ने ज्वर लीला करी। क्या करी? ज्वर, ज्वर मतलब बुखार। कृष्ण को इतने तेज बुखार, यशोदा मैया घबरा गई, वैद्यों को बुलाया, कोई वैद्य बता नहीं पा रहा, नाड़ी देख के कहता है हर व्यक्ति, अरे बड़ा विशेष प्रकार का ज्वर है, ये तो गए काम से, ये नहीं लाला बचने वाला, बहुत भयानक बुखार है इसको, कोई इलाज नहीं इसका। तो थोड़ी देर बाद एक श्यामले रंग के वैद्य आकर खड़े होते हैं गेट पे, कहते ओ नंद रानी, आप चाहें तो हम आपकी लाला को बचा सकते हैं। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा हमारे पास एक उपाय है, अगर कोई स्त्री 1000 छेद वाले घड़े में पानी भर के बाल के बने हुए पुल के ऊपर चल कर के यमुना के उस पार से घड़ा भर के वापिस इधर आ जाए, पानी के अंदर मैं 3 बार 3 बूंद में एक औषधि मिलाऊंगा, उसको पीते ही आपका लाला ठीक हो जाएगा। यशोदा मैया बोली, 1000 छिद्र वाले मटके में 1 बूंद नहीं आएगी, तुम 3 बूंद की बात कर रहे हो, पूरा मटके में पानी भरेगा कहाँ, छेद से निकल जाएगा, और वो भी उस पार से चल के आना। अरे चलो भर भी लिया, उंगली लगा के हाथ पकड़ के, तो बाल के पुल पे कौन चलेगा, लकड़ी के पुल पे चलना मुश्किल है। तो वो बोले ठीक है देखते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया पूरे व्रज मंडल में, यशोदा नंद ने, नंद राजा थे, बोले जो पवित्र स्त्री होगी वो चल सकती है, जिसके अंदर पवित्रता नहीं होगी, जिसने कभी ना कभी किसी पुरुष का चिंतन किया होगा, चिंतन बात नहीं, बात थोड़ी दूर की बात है, चिंतन किसी और पुरुष का चिंतन भी किया होगा, वो चल नहीं पाएगी इसके ऊपर। तो जटिला कुटिला, देवी देवता, पार्वती आदि सब एकत्रित हो गए। यशोदा माई बोली, अरे लाला के लिए तो मैं भी प्रयास करूंगी, मैंने भी कभी नंद बाबा के अलावा किसी के बारे में सोचा नहीं है। वैद्य बोले, अरे यहां तो मां की बेइज्जती हो रही है। बोले नहीं नहीं मां, इस खेल से मां बाहर है, मां नहीं ला सकती है, कोई और होनी चाहिए, जिसने जाया है लाला वो नहीं ला सकती है, जो लाला को नहीं जाया ना, जिसने लाला को जन्म नहीं दिया वो ला सकती है। अच्छा अच्छा, ओहो मैं कुछ नहीं कर सकती। बोले तुम एक काम कर सकती हो, लाला के बाल काटो,
तो तुरंत गुच्छे जो दार लंबे बाल थे उसे काटा और तुरंत वैद्य जी ने मंत्र पढ़ के इस पार से उस पार एक पतला सा बालों का पुल बना दिया। पुल बन गया, सब बोले अरे वैद्य में शक्ति तो है, बाल का पुल बना सकते हैं तो फिर ये लाला को ठीक भी कर सकते हैं। पुल बन गया लंबा सा। अब सारी स्त्रियां लाइन में खड़ी हो गई, ब्रजमंडल की नंद बाबा ने कहा मेरे लाला को बचा लो बचा लो। सब बोली हाँ हाँ आप चिंता मत करिए हम चलते हैं। सबसे पहले कई सारी चंद्रावली पद्मा सभी सखियों ने चलने का प्रयास किया लेकिन मटका भरती थी, थोड़ा पानी होता था वो जुर्र करके हजार छेदों से निकल जाता था और बाल के पुल पे पांव रखते ही पुल तो टूटता नहीं था क्योंकि वैद्य जी ने बनाया था मंत्रों से, गिर जाती थी छपाक और सारी सखी हंसती थी किसका चिंतन करती थी पहले लोग अब तो ब्रज मंडल में बेइज्जती होने लगी, मतलब ये तो बड़ा खतरनाक खेल है, यहीं पर टेस्ट हो जाए तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, बोले हमें ये छोड़ो जी कथा मत सुनाओ, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जटिला कुटिला बोली अरे कुटिला और जटिला, कुटिला कहती है मैं जो हूं ना अपनी माँ के अलावा आज तक किसी का चिंतन नहीं किया। हाँ ठीक है चलो, बड़ा मटका और लेकर चली, पानी थोड़ा सा भरा था, छिद्रों से पानी निकलना प्रारंभ हुआ, धड़ाम से बीच में आकर यमुना में गिरी। सॉरी हौसी ओ अभी तो इसका विवाह भी नहीं हो, किसके लिए सोचती है तो फंस गई बेचारी। अब सरेआम जटिला को बहुत गुस्सा आया, बोली अरे मेरी बेटी का इन्होंने उपहास किया है, मैं जाऊंगी अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, और मैं बूढ़ी औरत मैं किसका चिंतन करूंगी। उठाया मटका चल दी, वो धड़ाम से वो भी गिरी, वो सब धड़म धड़म गिर रही है सारी। ओ बड़ा तो वैद्य से पूछा वैद्य हम तो हार गए अब नहीं बचता लाला, एक पतिव्रता स्त्री नहीं मिली जिसने किसी पर पुरुष का चिंतन ना किया अपने जीवन में, तो आप ही बताइए कोई हो हमारे ब्रज में, आप तो दूरदर्श पुल बना सकते हैं तो बता नाम भी बताइए दो। वैद्य जी बोले हाथ में लकड़ी लेके कुछ घटाया कुछ जोड़ा, कोई रा नाम से शुरू होने वाली स्त्री है आपके गांव में, रा रा से शुरू। बोले अच्छा रा रा से रमणी, ना ना ना, अच्छा वो रास बिहारनी, ना ना ना, फिर राख से कौन है जिसका नाम धा पे खत्म होता, पूरा बोल दो ना राधा पूरी लीला कर रहे हैं रा और धा, कह रहे ये कोई हो तो वो चल सकते। तो सब बोले अरे वैद्य आपको नहीं पता वो व्रज कलंकनी है, रोज जाती है कृष्ण से मिलने के लिए, वो कहां, वो तो ढम से गिर जाएगी। तो ना बोले मुझे पता नहीं, बच्चे को बचाना है तो बुलाना तो पड़ेगा। राधा रानी आइए 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 करके लोग बड़े बेमन से लाए, राधा रानी चाहो तुम भी ट्राई कर लो प्रयास। राधा रानी ने 1000 छिद्र वाला मटका उठाया और बड़ी घबराई हुई है कि क्या होगा, और जल भरा और पुल पे चलना प्रारंभ किया, एक कदम दो कदम तीन कदम, ओ राधा रानी इस पार चली आई है। कैसे चली आई, छेद से पानी क्यों नहीं निकला, राधा रानी बड़ी चिंतित थी कि कैसे हुआ ये। राधा रानी अब बता तो पाई नहीं, समझ गई कृष्ण की ही लीला है। उन्होंने देखा जब वो अपने जल पात्र लेकर के चलना प्रारंभ की तो हर छिद्र पर कृष्ण ने अपने हाथों को सहस्त्र भुजाधारी बना लिया और अपनी उंगलियों से आकर उसके छेद में ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, और जो बाल का पुल है छोटा सा उसके चारों तरफ अपना स्वरूप प्रकट कर दिया और उसमें पुल इतना बड़ा कर दिया कि आराम से पैर रखकर चल सकते हैं। तो राधा रानी को पूरा उन्होंने सहयोग दिया जिससे राधा रानी प्रतिस्थापित हो प्रसिद्ध पतिव्रता स्त्री के रूप में। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी का महिमा बड़ी गुणवान है, तो व्रज कलंकनी व्रज साध्वी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सब लोग बोले आए है हमें तो बड़ा पाप लगेगा, ये तो कर ले आई, जटिला कुटिला का मुंह छोटा सा रह गया, चंद्रावली पद्मा सभी गोपियां यशोदा बोली मुझे तो पहले से ही पता था बहू बने तो यही बने, वो तो जटिला ले गई इसको। भाव यशोदा मैया का ये विवाह के घर में आनी चाहिए थी, कितनी गुणवान है कितनी पतिव्रता स्त्री है कितनी साध्वी है। तो श्रीमती राधा रानी लेकर के आए, वर्णन आता है नव सुंदरा पीयूष राधिका नाम, कैसा नाम है, नव सुंदर पीयूष, पीयूष मतलब अमृत,
नव सुंदरा पीयूषा राधिका रनाम अति मिष्टा मनोहरा तर्पण धाम। अति मिष्ट मनोहर, इतना मीठा है राधा नाम कि बस आह आनंद है ना। राधा नाम बहुत मिष्ट है, अति मिष्ट मनोहर तर्पण धाम, और ये धाम के अंदर व्यक्ति को पहुंचा सकता है। तुरंत राधा रानी जो जल पात्र लाई थी उसमें औषधि मिलाई गई, वैद्य जी ने औषधि मिलाई और लाला को खिलाई, लाला का तुरंत ज्वर समाप्त हो गया, ज्वर समाप्त हो गया। और ज्वर जब समाप्त हुआ तो यहां पर वैद्य जी कौन थे? खुद ही कृष्ण थे, उन्हीं की लीला थी। और कृष्ण भगवान ने ये स्थापित कर दिया, राधा रानी से पवित्र स्त्री संसार में राधिका गोविंद नंदनी, गोविंद की नंदनी है, गोविंद को आनंद देने के लिए है, और कृष्ण इसलिए उनका हर लीला में सहयोग करते हैं राधा रानी का। नव सुंदर पीयूष राधिका रना, अमृत के समान राधा रानी का नाम है। और लोग मुंह में गुटखा डाल लेते पान, राधे राधे ठीक हो और ठीक हो है। अमृत नाम को लेने के लिए कितना शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति को, कितना शुद्ध। हरि नाम लेते लेते हरे कृष्ण महामंत्र बोलते 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 कई जन्म जब बीत जाएंगे तब हो सकता है हर चीज में कृष्ण का दर्शन हो, तो मुख से निकल सकता है राधे। इतना नहीं है कि कैसेट बजा दिया और सब जगह राधे 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 राधे। राधा नाम को इतना निम्न स्तर का बना दिया है संसारी लोगों ने, जैसे बहुत कोई भी नाम रख सकता है। बहुत उत्कृष्ट स्थिति का भाव और प्रेम राधा रानी का कृष्ण के लिए। ऐसी भगवान श्री कृष्ण जब 56 दिन के थे 11 साल, तब वो वृंदावन को त्याग करके चले आए थे मथुरा में अक्रूर जी के साथ में। लेकिन उनके आने से पहले जो राधा रानी के पति थे अभिमन्यु, उनकी मां और उनकी बहन ने इतना कुछ बोला श्रीमती राधा रानी के लिए, कहा बेहतर है अभिमन्यु अब तुम ना व्रज साध्वी हो या व्रज कलंकनी हो, लेकिन ना इसे ले जाओ मथुरा, मथुरा चले जाओ तुम कंस के यहां काम करो। तो अभिमन्यु जो राधा रानी के पति थे उन्होंने मथुरा जाने का प्लान कर लिया। कृष्ण सोचने लगे, मैंने अपनी भौम वृंदावन लीलाओं में सिर्फ 11 वर्ष 56 दिनों तक तो राधा रानी के साथ लीला करनी, उसके बाद तो मैं 100 वर्षों के लिए चला जाऊंगा। उन लीलाओं को भी बीच में तोड़कर अभिमन्यु उन्हें मथुरा ले जाना चाहता है। कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिससे राधा रानी व्रज में ही रह जाए। तो राधा रानी की जो सासू मां थी उन्होंने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे नाम पर लोग ऐसे बोलते हैं, तुम पार्वती की गौरी की पूजा किया, गौरी की पूजा करोगी तो हो सकता है। राधा रानी को कौन समझ रहा था, तो हम समझा रहे तो समझ रहे, बाकी लोग तो यही समझते हैं। बोले तुम पार्वती की पूजा करो, देवी की पूजा करो, लोग दुनिया के लोग यही बातें करते रहते, क्योंकि ज्ञान ऊंचा नहीं नीचे, धीरे धीरे क्रम क्रम सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते व्यक्ति को समझ में आता है इस संसार के ब्रह्मांड नायक कृष्ण है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक कृष्ण को पूजने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन सबको पूजेंगे तो सब चले जाएंगे, पसंद कुछ प्रसन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए कृष्ण नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य है। पूर्णमासी जो थी संदीपानी मुनि की मां है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त किया उज्जैन में जाकर के, और उन्हीं पूर्णमासी की गोकुल में जब वो रहती थी उनके दो बच्चे, एक नंदीमुखी नाम की पुत्री और मधुमंगल नाम का पुत्र। तो जितनी आप सुनते हैं लीलाएं, मधुमंगल लीलाएं, नंदीमुखी, ये सब पूर्णमासी के पुत्र पुत्री हैं। और पूर्णमासी हमेशा सैफरॉन नारंगी वस्त्र, केसरिया वस्त्र पहनती हैं साध्वी, जैसे माता जी पहनती है ऐसे रूप, ऐसा उन्होंने रंग पहना है केसरिया पूर्णमासी ने, तो भगवान की लीलाओं में फिक्स है। तो अभिमन्यु से कहती हैं उनकी उनकी माँ कि तुम पार्वती की पूजा करो, गौरी की पूजा करो, लेकिन राधा रानी तो गौरी की पूजा करेंगी नहीं, क्योंकि राधा रानी गौरी की पूजा करने जाएंगी तो गौरी दंडवत कर देंगे, अरे माई तू मेरे मंदिर में क्यों आई, माई तू मेरे मंदिर में क्यों आई, मैं तेरे मंदिर में दंडवत मारती हूँ, सालों साल से तेरी तपस्या कर, तू मेरे मंदिर में क्यों आ गई। लेकिन फिर भी लीला करने के लिए, पार्वती जी के मंदिर में जाने के लिए
सुकृति दे दी। राधा रानी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। अभिमन्यु बोला ठीक है तुम जाओ पूजा करो और उसके बाद में हम लोग जाएंगे कहां, मथुरा। श्रीमती राधा रानी जा रही थी पार्वती की पूजा करने के लिए, रास्ते में हमारे कृष्ण भगवान मिल गए। कृष्ण भगवान बोले कहां जा रही है राधा रानी, बोले आप ना अभी अभी बीच में मत बोलिए, अभी ना बहुत बिगड़ गई है स्थिति, बहुत बिगड़ गई है, सासू माँ बहुत क्रोध में है, क्रोध में है, पति तो ओवर क्रोध में, बहुत ज्यादा क्रोध में, और है ना अभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मुझे जाने दीजिए पार्वती पूजा करने। कहां पार्वती, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, कहां तुम कहां, बोले अरे अरे मुझे जाने दीजिए जाने दीजिए। तो चल ठीक है, पीछे पीछे कृष्ण भगवान भी चले गए। कृष्ण भगवान और राधा रानी को बात करते हुए चंद्रावली की सखी पद्मा ने देख लिया, वो बोली अभी बताती हूँ अभिमन्यु को जाके, आप यहां मथुरा जाने की तैयारी करते रहिएगा, वहां आपकी जो राधिका है श्रीमती राधा रानी वो कृष्ण के साथ चली गई निकुंजों में, अभी जा रही थी मंदिर, झूठ। तो हम लोग भी ऐसे कई बार करते हैं, बात होती है तिल हम उसको बना देते हैं पहाड़। पता है आपको अगर तिल का पहाड़ बनाते हैं, मुहावरा तो है, लेकिन जो व्यक्ति तिल का पहाड़ बनाता है उसको तिल के पहाड़ में से तिल हटा दो बाकी जितना बचा उतना पाप लगता है। तिल में पहाड़ बनाया, पहाड़ में से तिल निकाल दो बाकी जो बचा उतना पाप। किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके बताना, झूठ बताना, लोगों के घर खराब करना, द्वेष कराना, ईर्ष्या कराना, ये व्यक्ति को बहुत पाप लगता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथना गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, उसको इसी में लगा दो, उसने क्या कहा, उसने क्या कह दिया, उसने क्या बोल दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सभी ग्रंथों ने क्या कहा, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है। ऐसे सुदुर्लभ मनुष्य शरीर को वेस्ट मत करिए, बेकार मत करिए। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। जान पूछ करके क्या खाया, विष। एक होता है अनजाने में किसी ने विष दे दिया, दूध में मिला के, ओ मुझे किसी ने जहर दे दिया। यहां तो पता है क्या है बेटा, मम्मी जहर है। मनुष्य शरीर पाया, मनुष्य देह पाया, मनुष्य जीवन चाह करके राधा कृष्णा ना भजिया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानिया सुनिया, जान करके सुन करके विष खाइनु चाट। फिर भी लोग लगे रहते हैं वही जीवन सुनकर जाएंगे, हम मानते मानते नहीं, हम नहीं मानते ये सब चीज, नहीं मानेंगे तो बहुत कष्ट पाने वाले जीवन, कुछ कष्ट तो पहले ही पीछा नहीं छोड़ रहे। जब किसी से पूछो आप कैसे हैं, जी बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, दो बेटे हैं, एक की शादी हो गई, दूसरे की होने वाली है। 10 दिन कथा में आता है ना, 11वें दिन कहता है प्रभु जी 5 मिनट का टाइम चाहिए था, कुछ बात करनी है। क्या हुआ, बड़े वाले बेटे की बहू मानती नहीं, छोटा वेला सुनता नहीं, पति तो कभी हमारे थे ही नहीं। लेकिन पहले सवाल में क्या बोले थे, क्यों है, मनुष्य जीवन पाया, मनुष्य जीवन पाके भी राधा कृष्णा ना भजिया, राधा कृष्ण भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खाइनू, विष खा लिया। राधा कृष्ण किस नित्य लीला को बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए और बड़े मनोभाव से अपने हृदय मन में संजो करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा हरि नाम जपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस संसार के कष्टों से दूर होने का, एक ही रास्ता है, केवलम हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, केवल एक ही है, ओनली वन। 3 बार कोई चीज बोली जाए मतलब होता है फाइनल, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो उन्होंने बोला हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। 3 बार बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है, जिसको कलमश काट सके कलयुग का, कली कलमश नाश, एक ही है हरि नाम और कुछ नहीं।
राधा कृष्ण की बात को बता दिया जाकर के अभिमन्यु को, उनके पति राधा रानी के भाग्य में आ गया है। बोले आज बताता हूं कृष्ण को, ऐसे पूरा कुर्ता ऊपर चढ़ा के आज जैसे दो दो हाथ हो ही जाएंगे। दौड़ा दौड़ा आया मंदिर की ओर, किसने पूछा कहां गए, बोले इधर गए मंदिर की ओर। वहां पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं, राधा रानी पुष्प चढ़ा रही है और जो गौरी जी है पार्वती जी उनकी जगह पे कौन खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण बाल खोल के खड़े त्रिशूल लेके आया। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, अब ये जाकर प्रणाम कर दिया, बोला कहां है कृष्ण कहां है, भगवान गौरी बन के खड़े पार्वती बन के। और फिर कहते हैं इतना सुंदर सौंदर्य है श्रीमती राधा रानी का, कहते हैं सौंदर्य किरण देखिया यहारा रति गौरी लीला गर्व परिहारा, सकल व्याजिये से राधा चरणे दासी है भज परम यतने। व्यक्ति को बड़े परम यतन के साथ राधा का चरण पूजना चाहिए। यहाँ पर राधा रानी पार्वती को प्रणाम कर रही हैं। सौंदर्य किरण देखिए, यहाँ खूबसूरती तो देखिए, जरा सौंदर्य तो देखिए, जिस चरणों को दुनिया पूजती है और आज वो पार्वती के आगे झुक रही है। लेकिन वो पार्वती थोड़ी है किसके आगे झुक रही है, कृष्ण की सेवा हेतु तो बनी है श्री राधिका। कृष्ण खड़े हैं गौरी बन के और कहते हैं कि एक बात बताओ मुझसे क्या चाहती हो। तो अभिमन्यु कहते हैं अरे पहले दिन पूजा, पहले दिन ही आवाज, पहले दिन ही भगवान बोल पड़े, अजीब कृपा पाई है राधा रानी, तुमसे तो पार्वती बात कर रही है। बोल बस क्या चाहिए। बोले मुझे ना मेरे पति सुखी रहे, उनको कोई कष्ट ना हो। एक ही तरह से बच सकता है, घर कैसे, इसकी भविष्य में लिखा है दो दिन बाद कंस इसकी गर्दन काट देगा। घबरा जा, जिसका काम करता हूं वही गर्दन काट देगा, ऐसा क्यों होगा। बोले तेरे मन में चल रहा है तू मथुरा जाना चाहता है, मथुरा नहीं जाएगा, व्रज में रहेगा तो तेरी रक्षा कृष्ण करेंगे, जाएगा तो तेरी गर्दन काट देंगे। अभिमन्यु बोला नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कसम खाता हूं मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, मथुरा नहीं जाऊंगा। कृष्ण का काम हो गया। कृष्ण इस तरह की लीला करते हैं, मान गए अभिमन्यु और बोले कि ठीक है मैं कहां नहीं जाऊंगा, मथुरा नहीं, वृंदावन में ही रहूंगा। तो जो बरसाना धाम है यहां पर बड़ा भाव है श्रीमती राधा रानी का। राधा रानी बरसाना में रहती हैं, जिसे रंगीली स्थान भी कहते हैं, लाडली लाल। एक भक्त थे जिनके बारे में चर्चा आती है, उन्होंने राधा रानी का बहुत भजन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। इस्कॉन से तो नहीं थे लेकिन एक गौड़ीय वैष्णव थे। तो मुझे एक बार एक भक्त बता रहे थे उनके विशेष जीवन के बारे में, उनकी फैमिली, पिताजी की बहुत इच्छा थी कि राधा रानी के साथ ही मेरा जीवन समाप्त हो। बरसाने में रहते, दिल्ली में थे, तो बोले जाने दो राधा रानी के चरणों में, बरसाने में थोड़ा भजन करने दो। घर वाले बोले पिताजी आप भी ना, नाती पोते पालिए ना, कहां आप चल दिए घर छोड़ करके बरसाना, यहां रहिए। लेकिन उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि जब मेरा अंत काल होना, अंत मति सुगति, अंत में जैसी मति होती वही गति होती, अंत में भगवान का नाम स्मरण हो जाए राधा रानी का। तो बोले अपने बेटे से, अच्छा बेटा मैं दिल्ली रहूंगा लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है मेरे पूरे शरीर को व्रज मंडल में घसीट करके, पैर में रस्सी बांध करके, और अस्थियां विसर्जन इधर उधर मत करना हरिद्वार आदि में, वहीं बरसाने की रज में मिला देना, राधा रानी की सेवा में मैं रहना चाहता हूं। ऐसे उन्होंने अपनी इच्छा रखी। तो बहुत धर्म परायण व्यक्ति थे, बहुत सुंदर भजन करते थे, हरि नाम जापक थे, हरि नाम जपते थे। तो एक दिन जब उनकी मृत्यु आई तो परिवार के लोग दिल्ली में ही थे, उनके परिवार के लोगों ने कहा पिताजी की अंतिम इच्छा थी राधा रानी के चरणों में जाने की, तो चलो बरसाना ले चलते हैं। उनको ले गए शमशान पे, उनको अंतिम संस्कार किया गया। तो अंतिम संस्कार करते समय जो वहाँ के पुजारी हैं उनको पता चला कि अरे वो जो आते थे ना संत, उनका क्या हो गया, देह अंत हो गया है। तो वो राधा रानी की कृपा प्राप्त चुनरी, जो थी चुनरी ना राधा और कृष्ण की, लाडली लाल की, वो लेके आए और लाकर के उनके शरीर के ऊपर अंतिम संस्कार में रखी गई। और कुछ रंग लेके आए थे, जो राधा रानी के रोज रंग चढ़ाया था रंगीली महल में, वो रंग भी लेके आए थे और उनके अंतिम चिता के ऊपर रखा गया।
और जब उनको ले जा रहे थे तो एक विशेष प्रकार की हवा चलने लगी। वो हवा चली तो वो जो रंग था वो उड़ करके सभी भक्तों के ऊपर आ गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे राधा रानी खुद ही उन भक्त का प्रसाद सब भक्तों में बांट रही है ना, कि चलो इतना सुंदर भक्त मेरी सेवा में आ रहा है सबको। सिर्फ नाम जपने के कारण, हरि कृष्ण महामंत्र जपने से ऐसा होता है। अब उनके परिवार में ये था कि देखो पिताजी की इच्छा तो थी कि पैर में रस्सी बांध के पूरे बरसाना में घुमाए, ये तो कर नहीं सकते अपने पिता के साथ कि ऐसे खींचे जमीन में। अब उनकी अभिलाषा थी अब, लेकिन चलो अंतिम संस्कार बरसाने में हो गया, ये भी बहुत है। अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ होने के बाद में अस्थियां जो थी उनको लेकर के बच्चे सोच रहे थे हरिद्वार जाए कि इलाहाबाद जाए, हरिद्वार जाए कि इलाहाबाद जाए। इतने में जो अस्थि थी वो ऐसे पेपर में रखी थी और वो सोच ही रहे थे अभी कहाँ जाए, और वहीं पर शमशान में बात चल रही थी। इतने में उनके परिवार के लोग बोलते हैं कि एक विशेष प्रकार का तूफान आया, समझ में नहीं आया कहाँ से आया, इतना तूफान आया सारी अस्थियां उड़ गई और बरसाने में जाके कहाँ मिल गई पता ही नहीं चला। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं तो भगवान श्री कृष्ण के धाम के अंदर प्रवेश पाने के लिए व्याकुल है। कहते हैं हे वृषभानु सुते ललिते, बस मेरी एक आस बुझा देना, जब निकले तन से प्राण मेरे, मुझे बरसाना पहुंचा देना, मुझे बरसाना पहुंचा देना। तो भक्तों के अंदर मन है वृंदावन में प्राण निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, ये प्राण तन से निकले गोविंद का नाम आना चाहिए। आप देखेंगे जब किसी की अंतिम क्रिया होती है राम नाम सत्य है, क्या बोलते हैं, लेकिन जब तक जीवित होते हैं गणेश नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, पिताजी का नाम सत्य है, माताजी का नाम सत्य है, बेटे का नाम सत्य है, ट्रस्ट का नाम सत्य है, कुछ सत्य नहीं है। ये बात अंत में पता चलती है क्या सत्य है, राम। लेकिन अब हमने बना लिया है नियम, राम नाम जपेंगे कब, जब प्राण से शरीर से प्राण निकल जाएंगे। जीते जी नाम जपने के लिए कोई बोल दे हमें स्वीकृत नहीं है। अरे कहां साधु बने क्या, काम धंधा छोड़ के नवाला जपते रहे, अरे काम धंधा छोड़कर टीवी का रिमोट घुमाते हो, माला नहीं घुमा सकते हो। क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। भगवान श्री कृष्ण 11 साल 56 दिन की उम्र में वृंदावन से अक्रूर जी के साथ चले गए। लेकिन भगवान कृष्ण दो हैं, एक यशोदा जी के घर जन्म लिए और एक देवकी के घर जन्म लिए। जो देवकी के जेल में जन्म लिए वो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु थे। वासुदेव जी जब उनको लेकर के जेल से नंदगांव पहुंचे, गोकुल पहुंचे, यशोदा जी के घर दो बच्चों ने जन्म लिया था, एक योग माया और एक कृष्ण। लेकिन वसुदेव जी को योग माया के कारण दिखाई नहीं दिया कि यहां दो हैं, उन्होंने सोचा एक है। उन्होंने पुत्र को रखा और पुत्री को उठाया। लेकिन जब उन्होंने पुत्र को रखा तो जो चतुर्भुज रूप कृष्ण थे वो यशोदा कृष्ण के अंदर समा गए। भागवत में वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते 10वें स्कंद में, भक्ति सिद्धांत महाराज हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया, एक है देवकी नंदन कृष्ण, एक है यशोदा नंदन कृष्ण। तो जब अक्रूर जी उनको लेकर के वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं तो कौन से कृष्ण को ले जा रहे हैं, देवकी नंदन कृष्ण। यशोदा नंदन कृष्ण कभी वृंदावन त्याग के नहीं जाते। कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याज एको पदम ना गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं निकालता हूं तो मथुरा कैसे जाऊंगा। अक्रूर जी को भी यमुना पुलिन में अक्रूर घाट पे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, कृष्ण का नहीं हुआ। कृष्ण बलराम विष्णु स्वरूप में दिखाई दिए कि विष्णु लेटे हैं और नीचे शेष सैया रूपी बलराम
और उनका सारा टेंशन चला गया कि मेरे साथ जो जा रहे हैं ये स्वयं नारायण है, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ अक्रूर को। तो इस प्रकार से जो गए वो कौन थे? देवकी नंदन कृष्ण, विष्णु, नारायण। वो चले गए मथुरा। मथुरा में 25 साल की उम्र तक उन्होंने राज किया, कंस का वध किया, जरासंध का वध किया, वध नहीं किया, जरासंध को हराया। कहते हैं जरासंध की 21 अक्षुणी सेना, महाभारत में टोटल सेना थी कितनी? 16 अक्षुणी। यहां पर 21 अक्षुणी सेना जरासंध लेकर के कृष्ण पर चढ़ाई करता है। क्यों करता है? क्यों आता है मारने के लिए? क्योंकि जरासंध मगध का राजा है, मगध राज। उसका मित्र है असुर, बाणासुर। अब आप देखिए, जिसका संग करते हैं वैसा ही रंग बन जाता है। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा ढंग। चार शराब पीने वालों के साथ बैठ जाओ, पांचवें दिन अच्छा खासा आदमी पीने लग जाए। चार दिन हरिनाम करने वाले, गीता पढ़ने वाले लोगों के साथ बैठ जाओ, पांचवें दिन आपके हाथ अपने आप हरे कृष्ण बोलने लगे। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा। बाणासुर का संग करते करते मगध राज जरासंध के मन में आया। बाणासुर के, जरासंध की दो पुत्रियां हैं, उनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति का विवाह किया है जरासंध ने कंस के साथ। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। अब जरासंध की बेटियां का जो पति था उसको मार दिया तो बेटियां क्या हो गई? विधवा हो गई। अब जिसने हमारी बेटी को विधवा किया है उससे तो लड़ाई होगी। तो बाणासुर बोला, देर किस बात की है, पकड़ लो इस नंद के छोरे को और उड़ा दो इसको, मार दो। 21 अक्षुणी सेना लेकर के जरासंध आया। एक अक्षुणी सेना में पता कितने लोग होते हैं? कहते हैं 1,09,350 थल सैनिक होते हैं, 5,00,000 रथी होते हैं, 5,00,000 रथ के ऊपर आरूढ़ सेनापति रथी, 21,870 हाथी गज, 21,870 रथ होते हैं और 65,610 घोड़े होते हैं तुर्ग। ये महाभारत में वर्णन है, महाभारत में ग्रंथ में लिखा है एक अक्षुणी सेना के अंदर इतना कुछ होता है। 5,00,000 तो रथ चल रहे हैं और ये एक अक्षुणी का वर्णन है। 21 अक्षुणी सेना में कितना रथ होंगे और कितने सैनिक, कितने घोड़े, कितने हाथी, इसको लेकर के चढ़ जाता था। बार बार मथुरा पे चढ़ाई करता था क्योंकि कंस को मार के कृष्ण और उग्रसेन वहां राजा बन के बैठे। जरासंध ने चढ़ाई करी, भगवान कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से तीर मारा। अब कृष्ण धनुष नहीं चला रहे हैं, धनुष कौन चला रहे हैं? विष्णु स्वरूप कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण। सारंग धनुष चलाते थे, बलराम कहते थे आज बताता हूं इसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण कहते थे छोड़ दो, जाने दो। तो बलराम पूछते हैं आप बार बार इसे छोड़ क्यों देते हैं? तो कृष्ण कहते हैं मैं इसको इसलिए छोड़ देता हूं, एक असुर जाएगा करोड़ों असुरों को लेके आएगा। अगर मैं एक एक असुर को मारने के लिए गली गली में घूमूंगा बहुत वर्ष लग जाएंगे, मेरी लीलाओं का समय कम है, एक को भेज दो हजारों को ले। बार बार 21 अक्षुणी सेना ले आता था, पता नहीं कहां से इतने राक्षस मिलते थे। हमें भक्त ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है, जी हमारी कथा है आइएगा, दो आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 100, 200, लेकिन शराब के ठेके पे देखो स्कूटर गाड़ियां रोक रोक के लाइनें लगा लगा के लोग मिल जाते हैं, और कोई फ्री में पिलाने वाला मिल जाए ना, मदिरा पान कराने वाला, ये मतलब ऐसे लोग गिरेंगे एक के ऊपर एक। हाँ, मदिरा असुरों के अंदर प्रवृत्ति, एक जाता है पीछे पीछे हजारों आते हैं। तो कई लोग बोलते हैं जी हमारे घर में तो कोई माला नहीं करता, हम क्यों करें? बोले भक्त का स्वरूप अलग है, दूध बांटने वाले को घर घर जाके दूध बांटना पड़ता है और शराब पीने वाले खुद जाकर शराब खरीदते हैं। तो कौन सी चीज अच्छी है, शराब या दूध? तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, घर घर जाके बांटना पड़ता है, घंटी बजाते रहो फिर भी दूध वाले का इज्जत नहीं है। और शराब वाले की दुकान पे, मदिरा वाले की दुकान पे लोग अंदर हाथ डाल के रखते हैं, अरे दे दो भैया, मुझे दे दो भैया, मेरे को पहले दे दो, मुझे दे दो ना। गंदी चीज संसार में फ्रीली अवेलेबल है, आसानी से मिलती है। भजन भक्ति विशेष चीज है, दूध की तरह, इसको घंटी बजा बजा के दो तब भी लोग दूध वाले से दूध लेते नहीं। हम बोलेंगे हरि नाम लो, कल बोला आज बोलेंगे फिर वही गारंटी है, जैसे ही 6:30 बजेंगे आप उठेंगे बिना माला लिए तुरंत नीचे उतर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, सोचेंगे बहुत कृपा मिल गई कुछ।
आज यहां पर आप माला लेके जाइए, विशेष भगवान को चरणों में स्थापित करके माला प्रसाद आपको दिया जाएगा। माला जप माला ले जाओ, एक तो जप लो, एक जप लो, इसमें कब प्रॉब्लम है क्या? एक माला जपने में 7 मिनट लगते हैं माला जपने में, उसका भी समय नहीं है। सोचो जब एक टांग ऊपर चली जाएगी हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर लग जाएगा ऑक्सीजन, तब फोन आएगा, वो गुरु जी आए थे, प्रभु जी कार्ड दे गए थे, मिलाओ जरा माला करवानी, उनसे कीर्तन करवानी, तब क्या काम आएगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खे। जब चिड़िया चली जाएगी, निकल जाएगी, फिर जी वो गुजर गए, हमें घर में ना कीर्तन करवाना, अब क्या करोगे कीर्तन? पहले कहां कीर्तन चला गया था? कितने लोग लेंगे आज माला, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। अभी भी नहीं समझ में आया? मैं बंद कर दूं कथा क्या? समझ नहीं आती क्या? मेरी भाषा अंग्रेजी भाषा है क्या? हिंदुस्तानी हूं मैं पूरा। कितने लोग आज माला लेंगे? अच्छा कितने लोग पहले से माला कर रहे हैं? अच्छा करने वाले ज्यादा हैं इसीलिए नहीं हाथ खड़ा। ठीक, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज माला लेनी चाहिए। 21 अक्षुणी सेनाओं को 17 बार हराया, 18वीं बार में भगवान श्री कृष्ण खुद ही भाग गए। क्यों भाग गए? जब 17 बार हरा सकते हैं तो 18वीं बार में क्यों भाग गए? भगवान ने कहा कि अगर मैं, जब ये 17वीं बार हार करके वापस गया जरासंध, इसने भक्तों की शरण ग्रहण की, वृंदावन मथुरा मगध के भक्तों के चरण छुए, ब्राह्मणों के चरण छुए और कहा, ओ ब्राह्मण देव मुझ पे कृपा करिए, मैं इस बार हारना नहीं चाहता, 17 बार मैंने धूल चाटी है, एक बार मुझ पर कृपा करे ब्राह्मण कि मैं जीत जाऊं। ब्राह्मणों ने कहा तथास्तु। ब्राह्मण तो भोजन प्रिया होता है, उन्होंने मगध राज के मगध लड्डू खिला दिए होंगे, ब्राह्मण ने लड्डू खा करके कुछ सोचा ही नहीं, आगे बोला तथास्तु, जीत जा, विजयी भव। ब्राह्मण की बात, लेकिन कृष्ण कौन है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय कौन है? गो ब्राह्मण हिताय च, गाय के और ब्राह्मण के हितैषी हैं। गाय की रक्षा के कारण अपने धाम का नाम रखा है गोलोक, गाय के कारण अपना नाम रखा है गोलोक में गोविंद, गाय के कारण अपना नाम भौम वृंदावन में रखा है गोपाल। गाय के बिना बात ही नहीं करते, गाय के बिना बात ही नहीं करते। तो इसीलिए गाय और ब्राह्मण भगवान के अधिक प्रिय है। कहा तथास्तु विजयी भव। भगवान बोले अगर मैंने जरासंध को 18वीं बार हरा दिया तो ब्राह्मणों का अपमान होगा, लोग बोलेंगे जी पंडित जी का चलता वलता कुछ नहीं, ऐसे हाथ खड़ा करते लड्डू के चक्कर में, इनमें कोई शक्ति वक्ति नहीं। तो ब्राह्मणों की इज्जत रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी एक लीला और कर देता हूं, मैं जब चोरी करता हूं तो माखन चोर कहलाता हूं, मैं जब चीर चुराता हूं तो चीर हरण लीला करता हूं, मैं चाहे राधा रानी के साथ मिलता हूं तो मैं नवकिशोर श्याम सुंदर लीलाधारी कहलाता हूं, जब मैं रण छोड़कर भी भागूंगा, दुनिया में लोग चोर को लॉकअप में बंद करते हैं, मेरे को लोग नाम से पूजेंगे, रण छोड़ राय के नाम। तो भगवान कोई भी कार्य करते पीछे लॉजिक, लोगों को पता नहीं इसलिए कुछ भी बोलते हैं, अजी रामचंद्र जी ने पत्नी छोड़ दी अपनी, हमारे वाले रामायण देख रहे हैं आजकल बहुत, छोड़ ना दे हमको। अरे वापिस आए अयोध्या, उसके 10,000 सालों तक सीता और राम साथ रहे, जब अयोध्या आए वापिस युद्ध जीत के 14 साल के वनवास के बाद 10,000 साल सीता राम साथ रहे, 10,000 साल के बाद लीला समाप्त करने के लिए लीला करी कि सीता महारानी को भेज दिया लवकुश को प्रकट करने के लिए। अरे वहां से आए धोबी के कहने पे निकाल दिया, हमारे आजकल ये बड़ी रामायण देखते हैं, भगवान का लॉजिक नहीं समझते कुछ भी बोल देते। तो भगवान के विशेष शास्त्रिक ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान के बिना हमें भगवान की लीला समझ नहीं आई। तो आज पता चला भगवान ने क्यों हारे, रण छोड़ क्यों कहलाए, रण छोड़ के लोग बोलते हैं आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, वो तो भाग गए थे जरासंध से, घबरा के भागे ये। पीछे एक राक्षस था जरासंध का मित्र काल यवन,
वो बोला मैं मारूंगा, वहां से तो बच के आ गया, जरासंध से भाग के मैं मारूंगा। भगवान बोले आजा आजा पीछे आजा। कालयवन को पीछे पीछे भगाते भगाते मथुरा से भागते हुए गुजरात चले गए, और गुजरात में मुचकुंद नाम के एक राजा थे जिन्होंने सतयुग में भगवान की सेवा करी देवी देवताओं की। और जब देवी देवता प्रसन्न हुए उन्होंने कहा मुचकुंद जी क्या चाहते हैं वरदान? कहा बस एक ही वरदान चाहिए, इतने सालों युद्ध किया है आपके लिए, सोना चाहता है, रेस्ट, लंबी नींद। कहा ठीक है तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कह रहे नहीं नीचे युग कौन सा चल रहा है? कहे आप सतयुग में आए थे, त्रेता बीत गया, द्वापर चल रहा है, तीन युग से आप स्वर्ग में सेवा कर रहे हो। कहा मैं वापिस जाऊंगा तो पुत्र पुत्री मिलेंगे नहीं, वो तो सतयुग में समाप्त हो गए, किला मिलेगा नहीं, किसी गुफा में लिटा दो भगवान। बोले लेकिन गुफा में कोई जानवर आदि आ गया? बोले नहीं हम आपको आशीर्वाद देते हैं आपकी नींद लंबी होगी, और जब आपकी नींद कोई व्यक्ति तोड़ेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, और जब आपकी पहली नींद की रोशनी आएगी, खुलेगी आंख, तो आपको कृष्ण का दर्शन भी होगा क्योंकि आपने हमारी सेवा की। अब भगवान ने देवी देवताओं की बात भी रखनी है, ब्राह्मणों की बात भी रखनी है, बाणासुर को भी मारना है, मुचुकुंद को भी दर्शन देना है, इतने टेंशन है। आप तो जाते हो घंटी बजाओ ठंग, ओ ठाकुर जी ऐसा कर दो, ओ भगवान ऐसा कर दो। भगवान सबकी सुन के सबको कैसे व्यवस्थित करे, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते कैसे करते, और इसलिए हम अपनी बुद्धि लगाते। भगवान ने उसको कहा आओ कालयवन, आओ 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 पीछे पीछे। बोला रुक जा, भागता कहां है, जरासंध से भाग गया, मुझसे भागेगा, रुक जा रुक जा। भगवान मुचुकुंद की गुफा में घुस गए, मुचुकुंद जी सो रहे थे आराम से, भगवान ने आके अपना पीतांबर उतार के उस पर लिटा दिया, ऊपर डाल दिया, और कुछ छुप के पीछे खड़े हो गए। वो आया गुस्से में कालयवन, भाग भाग के और क्रोधी हो गया था, बोला हाँ हमें भगा भगा के ओलंपिक में यहां मजे से सो रहा है। उठाकर एक लात मारी भगवान के इधर पीतांबर में, भगवान तो थे नहीं, कौन थे, मुचुकुंद, मारी धबा, मुचुकुंद उठा, कौन ऐसे करके आंख ही खोली थी, कौन हो गया, कालयवन। इससे पहले पूछे कि कौन हो भैया, आईडी कार्ड बताओ, नाम क्या है, राख बन गया। अब घबरा गए, बोले कौन था भाई, कोई ऐसा तो नहीं, कोई देवी देवता थे, कौन थे, समाप्त हो गए, कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया। तब भगवान को उन्होंने स्तुति करी है, बहुत सुंदर स्तुति है, मुचुकुंद स्तुति, मुचुकुंद ने स्तुति करी, भगवान मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जिसके कारण आप प्रकट हुए, ये कौन था जो समाप्त हो गया? भगवान बोले चिंता मत करो, वो असुर था, उसको मारने के लिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया, क्योंकि अगर मैं उठाता तो मुझे अग्नि का सहन करना पड़ता, और अग्नि मुझ पर कोई काम नहीं करती तो देवी देवताओं का आशीर्वाद खराब हो जाता, सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण, इसीलिए सर्व कारण कारणम कृष्ण, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण कौन है, गोविंदा, और इसीलिए पूरा संसार उनको भजन करता है। तो श्रीमती राधा रानी कहां रह गई थी, वृंदावन। भगवान कृष्ण कहां चले गए थे, मथुरा में, और अभी मथुरा से कहां आ गए, द्वारका। भगवान अपने रात रात में वो समझ गए जरासंध पूरे मथुरा नगरी को नष्ट कर देगा। रात को सारे लोग सोए, उग्रसेन आदि, देवकी, वसुदेव, सभी ग्वालवाल, उद्धव जी सब सोए, रात को ही भगवान कृष्ण ने उठा करके सुबह उनको द्वारका में स्थापित कर दिया, एक नगरी बना दी रातों रात। जब नगरी बना दी द्वारका में तो सब सुबह उठकर पूछ रहे थे द्वार कहाँ है, निकले कहाँ से, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो नाम ही पड़ गया उस स्थान का द्वारका, द्वारका। तो ऐसे ही आप ही के उत्तम नगर के पास में सरकार ने एक स्थान बनाया, क्या, द्वारका। लेकिन द्वारका द्वारकाधीश के बिना अच्छा लगता है क्या, द्वारका में भगवान ना हो तो अच्छा लगता है क्या। तो द्वारका में सेक्टर 13 में भगवान की कृपा हुई कि वहां पर रुक्मणी द्वारकाधीश का मंदिर बन गया, हरी हरी वो, और वो मंदिर अभी विशाल होने वाला है, कितना विशाल, बड़ा बनने वाला, और उसमें ऐसी कथाएं निरंतर चलती रहेंगी। पूरे विश्व का सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर बनाया जा रहा है, और श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी उन्हीं के शिष्य के द्वारा, हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा, सभी भक्तों के प्रयास से वो मंदिर बन रहा है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए,
नहीं बनना चाहिए? अरे अरे आप लोग तो बोल रहे नहीं बनना चाहिए, दोनों हाथ करके बताओ ऊपर बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं जब बनाने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या हम हाथ नीचे कर लेंगे? तो सब लोग भगवान की सेवा में सहयोग करिए। कल भी आपको बताया गया कि आप कुछ भी अपनी यथाशक्ति भगवान के मंदिर में नियमित रूप से, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और वहां पर पिक्चर देखने जाएंगे पीवीआर में, मान लो 250 रुपया जाता जाता व्यक्ति का, है कि नहीं? पॉपकॉर्न खाते हैं, आदि सामान खाते हैं, 1000 रुपया, लौट करके आते हैं पिक्चर का टेस्ट खत्म हो जाता है ना, याद नहीं रहता, अगले हफ्ते लगता है अब कौन सी नई आई है फिर नया। 1000 रुपये हम ऐसे कई प्रकार के पदार्थों पर नष्ट कर देते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में लगाया गया एक एक पाई भगवान कृपा रूप में हमें वापस प्रदान। तो आपसे विशेष हमारा अनुरोध है कम से कम 100 रुपये महीना तो हर व्यक्ति दे सकता है कि नहीं दे सकता है, या झूठ बात है? हर महीना क्या बड़ी बात है 100 रुपये तो कोई भी, मतलब गरीब भिखारी हमारे घर भिक्षा मांगने तो देते। यहाँ द्वारकाधीश सामने प्रकट हो रहे हैं, उस मंदिर में आप ही का नाम, आप ही की सेवा, हम रहे ना रहे मंदिर हमेशा रहेगा, और आप वहां जाकर के देख सकते हैं मंदिर को। तो आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं और अपनी यथाशक्ति जो आप चाहते हैं 100, 500, 200 महीना भगवान के लिए निकालिए। भगवान के लिए निकालने से कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के मंदिर निर्माण में सहयोग करता है उसकी सारी की सारी पीढ़ियां तर जाती हैं और उनको धाम प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पिंडदान आदि सही रूप से नहीं करते तो हमारे पूर्वज मुक्त नहीं होते और वो पितृलोक में अटके रहते हैं, उन पितृलोकों के पितरों को मुक्त कर नहीं पाने के कारण हमको पितृ दोष लग जाता है। और पितृ दोष से मुक्त होने का तरीका है हरि नाम जपना, भगवान को भोग लगा करके पितरों को भोजन देना और मंदिर निर्माण आदि कार्यों में, सत्वगुणी कार्यों में अपने धन को इंगेज करना, अपने धन को लगाना। तो आपके लिए बहुत सरल तरीका है, यहाँ पर भगवान के भक्त हैं उनसे आप मिल सकते हैं और जाकर के दे सकते हैं। तो ऐसे द्वारका के अंदर द्वारकाधीश ने, रुक्मणी द्वारकाधीश ने एक सुंदर महल बनाया और रहने लगे, और रहते रहते उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त कराई। भगवत गीता का अंतिम श्लोक इस बात की पुष्टि करता है जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय रभूति ध्रुव नीतिर्मतिर ममहा। संजय ने अपने गुरुदेव वेद व्यास की कृपा से पूरे विश्व जगत को स्थापित कर दिया। यत्र योगेश्वर कृष्ण जहां कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा जहां धनुर्धर पार्थ अर्जुन जैसे भक्त हैं, तत्र श्री वहां लक्ष्मी जी भी आएंगे, विजय वहां पे विजय भी आएगी। ये ध्रुव नीति है, इस बात को मान लो। संजय ने आखिरी श्लोक गीता का, अब आप बताइए इतना सब जानने के बाद कोई कृष्ण शरणागत ना हो? भगवत गीता के प्रारंभ में पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुस्व मामकः पांडवश्चैव किम् उक्रवत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? तो पहला शब्द क्या है? धर्म। और आखिरी भगवत गीता का शब्द क्या है? माम, है ना? बोला श्री विजय ध्रुव नीतिर मतिर मम आखिरी है और पहला क्या है? धर्म। तो कृष्ण कहते हैं पूरी भगवत गीता का सार यही है, मम धर्म। अगर धर्म हो तो मेरी भक्ति करो, मम धर्म। अगर आप मेरी भक्ति नहीं करते और फिर आप कहते हैं पट्टी बांध के सिर पे कि मैं हाथ पे ज्योति जला लेता हूं, मैं लौंग के ऊपर 8 दिन तक व्रती रहता हूं, कोई काम नहीं है। मम धर्म, मैं ही हूं धर्म, धर्म शुरू होता है मुझसे। उसके अलावा क्या है? भागवत कहती है धर्म प्रोजित केटवत्र निर्मत सरानाम। इसके अलावा जो कुछ भी वो द्वेष के कारण बनाए गए धर्म, धर्म घर में नहीं बनता है, भगवान के द्वारा बनाया जाता है। कृष्ण ने धर्म बनाया और इस प्रकार से द्वारका में कुरुक्षेत्र में युद्ध प्राप्त कराई, भक्तों को अर्जुन जैसे भक्त बनाए, 16108 विवाह किए भगवान, जिसमें से 16100 तो एक ही बार में आ गई थी। भौमासुर का वध किया जो राजकुमारियों को उठा उठा के ले जाता था, और भौमासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16100 कन्याओं से पूछा तुम्हारी मंशा क्या है? बोली अब हमें कौन मानेगा भगवान, ये राक्षस के घर में रहने के बाद हमें अभी कौन स्वीकार करेगा? भगवान बोले जिसका कोई नहीं होता उसका कृष्ण होता है, और जिसका सब कोई होता है उसका भी कृष्ण ही होता है। वो लगता हमें ये सब हमारे हैं
लेकिन होते कृष्ण ही हैं। हमें संसार के साथ में अपनी नियमित कर्म करने हैं, परंतु उनसे आसक्त नहीं होना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे भक्तों को मदद की। 16,100 रानियों को इकट्ठा विवाह किया एक ही बार में, सभी राजकुमारियों को। सबके मन में अलग अलग इच्छा थी, मुझे ऐसा मिले, वैसा पति मिले। जैसा जैसा पति की इच्छा थी, भगवान ने 16,100 रूपों में अपना विस्तार किया। ये नहीं एक कृष्ण कैसे थे, 16,000 शादियां करी, ऐसा कोई भगवान होता है? अरे भगवान ने अपना विस्तार किया है 16,100 रूपों में। हम कर सकते हैं क्या? तो फिर कैसे हम बोलेंगे भगवान बन जाएगा, नर ही नारायण होता है? नर नारायण नहीं होता है, ना नर कभी नारायण बन सकता है। और भगवान ने 8 मुख्य विवाह किए, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, है ना। इस प्रकार से भगवान ने 8 मुख्य, तो 16,108 विवाह किए द्वारका में। लेकिन फिर भी रात दिन चिंतन किसका चलता है? राधे राधे भगवान का चिंतन। सारी रानियां पूछती हैं, प्रभु सोते आप हमारे महल में, लेकिन रात को आपके मुख से किसी और का नाम सुनाई देता, कौन है वो? राधा रानी। क्या है राधा रानी में विशेष? राधा रानी में विशेष ये है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर का दर्द, बोले मेरे सिर में दर्द हो रहा है, राजकुमारियों के मन में, रानियों के मन में ये विषय आया कि कैसे राधा रानी श्रेष्ठ है, इसको प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण का मेरे सिर में दर्द है। वैसे तो भगवान सकल ब्रह्मांड के सर का दर्द दूर करते हैं, लेकिन यहां पर कह रहे मेरे सिर में दर्द है। तो सबने बोला दर्द है प्रभु, उसका उपाय भी आप ही बताइए कैसे जाएगा। भगवान बोले बड़ा सरल है, किसी भी प्रेमी भक्त की चरण की धूली लाकर मेरे सिर पे लगा दो, दर्द दूर। और नारद जी बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, दौड़ के गए, सत्यभामा रुक्मणी कृष्ण के सिर में दर्द है, अपनी चरण रज दे दीजिए। बोले अच्छा, पति को कभी कोई अपने पैरों की धूली देता है? अगर हम अपने पैरों की धूली देंगे तो हमें नरकों में वास करना पड़ेगा। वो चले गए ऊपर ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले बड़ी मुश्किल से तपस्या कर करके तो ब्रह्मलोक तक पहुंचा, सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मलोक, जो वैकुंठ से नीचे है। कहा यहां पर भी तुम ऐसा पाप करा दोगे, यहां से फिर नीचे गिरना पड़ेगा, तो इसलिए क्षमा करो। शिव जी से बोला, शिव जी आप, शिव जी बोले अरे रात दिन जिसका भजन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया, सोने की लंका रावण को दे दी, कैलाश पर बैठा हूं, पहनता भी क्या हूं मृग छाल, सर के ऊपर गंगा जी ठंडी ठंडी है, पार्वती यहां बैठी हुई, बर्फों में रहता हूं, किस लिए? ताकि राम नाम भजन बन जाए, हरि नाम भजन बन जाए, वहां आप अपराध कराना चाहते? नहीं भाई नहीं, सबने मना कर दिया संसार में। तो बोले भगवान कृष्ण के पास आके नारद जी, प्रभु सब मना कर रहे हैं। बोले फिर सिर का दर्द ठीक नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। तो बोले कहां जाऊं? बोले वृंदावन चले जाओ, वहां कुछ भक्त है, वहां पूछ लो, क्या पता मिल जाए। वृंदावन की व्रज गोपियां जा रही थी कुएं से पानी भरने के लिए, सबसे बोला अरे सुनो सुनो, तुम्हारे जो कृष्ण छोड़कर चले गए थे द्वारका, उनके सिर में है, कृष्ण सिर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया। ये चिंता का विषय है, जिनको छोड़े हुए 100 साल हो गए और जिनके साथ रह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे कृष्ण को। तो गोपियां कहती हैं अरे अगर उनके सिर में दर्द जाएगा कैसे? नारद जी कहते हैं सरल तरीका है, मैं वहां गया यहां गया। बोले जाएगा कैसे जल्दी बताओ? बोले फिर मैं शिव जी के, अरे जाएगा कैसे? बोले अगर कोई भक्त अपने पैरों की धूली दे दे। तो राधा रानी कहती है नारद जी आप कैसे हैं, इतनी देर से व्याख्यान पे व्याख्यान कर रहे हैं, पता नहीं रहे कि चरण रज चाहिए, ले जाओ पूरी की पूरी किलो दो किलो जितनी चाहिए ले जाओ। तो बोले अरे राधा रानी अगर आपके चरण की रज उनको लग जाएगी तो आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोले अगर कृष्ण के शरीर का दर्द ठीक होता है तो मुझे करोड़ों जन्मों में नरक मंजूर है। ये भाव। नारद जी ने सभी को प्रेम पाश में बांधकर सभी गोपियों और राधा रानी को लेकर के कहां गए? द्वारका। द्वारका में आकर अभिषेक हुआ सबके चरणों का। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ क्या? क्या नाम है भगवान कृष्ण के पुत्र का? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के पुत्र का अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जब बड़े हो गए और भगवान की उम्र 125 वर्ष की हो गई, कितनी? मथुरा से आए थे तो कितने साल के थे? वृंदावन से आए थे 11 साल के। तो जब वृंदावन से मथुरा आए तो 11 साल 56 दिन, जब वृंदा मथुरा से द्वारका गए तो 25 वर्ष, और अभी द्वारका में कितने वर्ष के हो गए? तो कितने साल बीत गए? 100। राधा रानी को 2 बार बड़ी दूर से देखा, बैठकर बात नहीं हुई, कोई लीला नहीं हुई, 100 वर्ष। तो ये है पुनर्मिलन लीला, और उसके बाद गमन लीला, कैसे वापिस जाते हैं।
तो अंतिम लीला है आज की इस तीन दिन के कथा प्रसंग की, तो हम समाप्त करेंगे। किसी को जल्दी तो नहीं जाने, विस्तार से बताएं या सूक्ष्म रूप से बताएं? सारे नहीं बोलते हैं, दो तीन बोलते हैं, दो तीन तो बोल रहे होते हैं, इनको बड़ा विस्तार से सुनना, हमें तो सूक्ष्म में सुना दो, घर में दाल रोटी है बोले। तो एक बार अनिरुद्ध जी ने बोला भगवान से, कृष्ण से, भगवान कृष्ण इस संसार में राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वर्ग का राजा बनने के लिए, इंद्र बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ते हैं। अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ते हैं, हाँ। वैसे तो भगवान के प्रपौत्र नाती को, पंती नाती कुछ भी कह सकते हैं, जरूरत नहीं है कि वो कोई अश्वमेघ यज्ञ करे, परंतु फिर भी लीलाओं के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ, अश्व जानते क्या होता है? घोड़ा। मेघ यज्ञ मतलब होता है एक घोड़े को सजा करके, सुसज्जित अलंकृत करके छोड़ा जाएगा, आगे एक ताम्र पत्र लटकाया जाएगा, ये इनका घोड़ा है, अगर आपने इस घोड़े को रोक लिया तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में अगर हम विजय हो गए तो आपको हमारी शरण में आना पड़ेगा, फिर घोड़ा छोड़ा जाएगा और पूरे विश्व का सर्कल लगा के, चक्र लगाकर जब ये घोड़ा वापिस आ जाएगा तब आहुति डाली जाएगी और यज्ञ करा जाएगा। एक यज्ञ जब हो जाएगा ऐसा, तब उसे एक अश्वमेघ यज्ञ कहेंगे, और ऐसे 100 अश्वमेघ यज्ञ जब आप कर लोगे अनिरुद्ध, तब कोई व्यक्ति स्वर्ग में राजा बनता है। इंद्र है, इतनी शक्ति किसी में, फिर भी लोग मरने के बाद में लिख देते स्वर्गवासी हो गए। पूछो कितने अश्वमेघ यज्ञ करके गए बाबूजी, किए क्या कोई? तो एक दिन एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा आपके तो गुजर गए वो जो थे, बोले हाँ गुजर तो गए। कैसे? बोले अचानक ये हार्ट अटैक हो गया। क्या खाते पीते थे? कह रहे बहुत मना किया, मदिरा नहीं छूटी, शराब नहीं छूटी, गंदे काम नहीं छूटे उनके, मरते चले गए लेकिन माने नहीं, हमारे बच्चों की बात नहीं सुनी। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो लिखा अखबार में स्वर्गवासी हो गए। कह रहे प्रभु जी नर्कवासी लिखना अच्छा थोड़ी लगेगा। सोच आज की क्रिया से कल का फल है। आदमी बोले कल का किसने देखा? किसने देखा नर्क? किसने देखा स्वर्ग? तो आज LIC में पैसा क्यों लगाते हो? क्योंकि पता है 20 साल बाद जाके आज पैसा देंगे तो पैसा मिले। बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हो पहले साल, क्यों भेजते हो? पता है 5 साल बाद इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर बनने के लिए क्यों भेजते हो? बोले पता है 5 साल बाद डॉक्टर बनेगा। पहले साल में तो भेजते हो ना उसी लाइन में। तो जिसे भगवान के धाम जाना है वो भगवान की भक्ति में लगेगा, जिसे पुण्य करके स्वर्ग जाना है वो पुण्यों में लगेगा, जिसे पाप करके नरक में जाना है वो पाप में लगेगा। कलियुग के लोग पाप में अपने खुश रहते हैं, पाप करते रहेंगे खुश रहेंगे, और बोलेंगे क्या कल क्या होगा किसको पता, प्रभु जी अभी जिंदगी का ले लो मजा है। चाट भंडार वो खुलते जा रहे कॉर्नर पे कॉर्नर, चाट कॉर्नर, ये कॉर्नर, पिज्जा कॉर्नर, बर्गर कॉर्नर, ये निकाल के धपाक लगाया, टिक्की छपाक, भाई रोड पे खड़े होके जूते पहन के खचा खच खचा कर क्या किया? पार्टी पार्टी पार्टी। भगवान की अन्नपूर्णा को जूते चप्पल पहन के रोड पे खड़े होके कोई खाता है क्या? भगवान का प्रसाद भोग। कल ही बताया आपको जो इंद्र तृप्ति के लिए खाता है वो पाप ही खाता है। तो वैसे ही पाप कम थे जो इतने दुख मिल रहे हैं संसार में। गर्मी पड़ती है, आपदाएं आती हैं, कितने प्रकार के दुखें, ऊपर से और पाप भक्षण करेंगे, कैसी स्थिति हो? तो लोग नरक छोड़ना नहीं चाहते। भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा सुनाते थे, कलकत्ता में एक व्यक्ति थे, उनके दोस्त ने, भक्त मित्र ने कहा अरे ये काम छोड़ दो, चार काम छोड़ दो। बोला कौन सा? ये चार काम छोड़ दोगे तो आप भक्त बन जाओगे, हरि नाम जपो और चार काम छोड़ दो। पहला काम बोले मदिरा पीना छोड़ दो। तो बंगाली आदमी कहता है अरे मदिरा पीना क्या छोड़ दे, वो तो सुरेश बाबू भी पीता है। तो भक्त कहता है सुरेश बाबू नरक में जाएंगे? अच्छा ओ हमको तो मालूम ही नहीं था। बोले ये जुआ खेलना छोड़ दो। जुआ? अरे वो तो विनोद बाबू भी खेलता है। कह रहा वो भी नरक जाएगा। अच्छा। बोले और ये ना आप मांस खाना छोड़ दो, मांसाहार। अरे वो तो चटर्जी बाबू भी खाता है, तो वो भी नरक जाएगा। अच्छा। और बोले यो आप पर स्त्री के चक्कर में हो ना इधर उधर, ये छोड़ दो। तो बोले वो तो मुखर्जी बाबू भी करता है,
तो बोले वो भी नर्क जाएगा। बोले आप भी अजीब है, जब हमारे सारे मित्र नर्क जाएंगे तो हम स्वर्ग जाके क्या करेंगे? ऐसे भी लोग नर्क जाके खुश है, अब उन्हें कहां भजन समझ में आएगा, अजी हम खुश है। ऐसे लोगों को छोड़ दो, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव को ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए, दूर रहना चाहिए उनसे। जितना जरूरत है उतनी बात करो, अधिक बात उनसे करनी चाहिए जो राधा कृष्ण के भजन प्रेमी भक्त हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर हम चाहते हैं रेगुलर क्लास चले, गीता डिस्कशन हो, भक्त एक सर्कल बनाए बैठे, कथा कीर्तन चलता रहे निरंतर। उत्तम नगर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए हर जगह। इस प्रकार से भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में वर्णन किया और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध ने सब कुछ तैयारी कर ली और एक घोड़े को छोड़ा गया। उस घोड़े के ऊपर लिखा गया था, घोड़ा उग्रसेन जी का है, इसकी रक्षा अनिरुद्ध के द्वारा की जा रही है। जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे अनिरुद्ध से युद्ध करना पड़ेगा। तो एक राजा थे जिनका नाम था महाराज विलवल। विलवल राजा विलवल जो थे उन्होंने प्रयाग से घोड़े को अपहरण कर लिया। कहां के राजा थे? गंगा नहीं, प्रयाग के राजा नहीं थे। प्रयाग से तो घोड़ा चोरी किया। राजा थे ये गंगा सागर के पास में, कपिल मुनि आश्रम है, वहां से 30 योजन दूरी पर, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, कितना हो गया 30 योजन? 360 किलोमीटर, या 320 भी बोलते कई बार, 360 किलोमीटर दूर पांचजन्य नामक एक द्वीप था, उसके समुद्र के बीच में ये रहता था राजा। क्या नाम था राजा? विलवल। राजा विलवल, राजा विलवल जो था ये रहता था, इसने प्रयाग से घोड़ा चोरी कर लिया और जाकर छुपा कहां दिया? समुद्र में छुपा दिया। बोले अब देखें जरा कैसे अनिरुद्ध का घोड़ा अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो यादवों की रक्षा हेतु भगवान अनिरुद्ध ने राजा विलवल से लड़ाई करी। बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए तो उसने ऐसा गलत कार्य किया। लेकिन जब धनुष बाणों का युद्ध प्रारंभ हुआ, अनिरुद्ध धीरे 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 आहत होने लगे धनुष बाणों से, तीरों से। ऐसे आहत हो गए, ऐसे घायल हो गए, उन्होंने अपने यादव गण को कहा, जाओ कृष्ण को बताओ उनका प्रपोत्र घायल हो गया है, अब इस घोड़े को बचाया नहीं जा सकता। वापिस यादव गण गए, यादव गणों ने, यादव वंशियों ने जाकर कृष्ण को बताया। तो कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण अपने भक्तों की, अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। भक्त को विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा। राखे कृष्णा मारे के, और मारे कृष्णा राखे के। कृष्ण मारने पे आ जाएंगे तो संसार में कोई बचा नहीं सकता, और कृष्ण बचाने पे आएंगे तो कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण आए और इस प्रकार से उस राजा विलवल को कुछ ही बाणों के अंदर समाप्त कर दिया, घोड़े को आजाद कराया। प्रयाग से उस यात्रा प्रारंभ करी, प्रयाग क्षेत्र से होता हुआ घोड़ा धीरे 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 एक महीने में कहां पहुंचा? व्रजमंडल। कहां पहुंच गया? व्रजमंडल में। अब यहां पर व्रजमंडल में सुदामा जो भगवान के भक्त थे, वो वाले सुदामा नहीं जिनके लिए भगवान ने सुदामा पूरी बनाई, भगवान के ग्वाल वालों में भी एक भक्त है जिसका नाम है सुदामा, एक है श्रीदामा, एक है सुवल, एक है मधुमंगल। तो श्रीदामा सुदामा वो जो भक्त ग्वाल बाल थे वो बड़े हो गए, ये भी तो बड़े हो गए, ये भी 125 साल के हो गए। तो इन्होंने घोड़े को रोक लिया कौतुकवश, खेल खेल में, देखें तो जरा किसका घोड़ा है। और नंद बाबा को जाकर के बताया, नंद बाबा ऐसे ऐसे घोड़ा है हमें मिला है, उस पर लिखा है द्वारका से आया है, हमें लगता है वहीं का है जहां लाला चला गया था। तो नंद बाबा ने सुना, द्वारका का घोड़ा, द्वारका का घोड़ा, मतलब अपने कृष्ण की एक तदीय वस्तु से भी अधिक प्रेम, द्वारका से घोड़ा आया है, उन्हें रोक लिया। पीछे से भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अभी अनिरुद्ध तो घायल है, तो अनिरुद्ध को एक सेना के संरक्षण में छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण घोड़े के पीछे पीछे चल रहे। शास्त्र में वर्णन है, नया पल्ली तीर्थ नामक स्थान से गुजरे, मिथिला से गुजरे,
अयोध्या से गुजरे, अयोध्या भी गए भगवान कृष्ण राम के, अयोध्या कान्यकुब्ज ब्राह्मण जहां के होते हैं उस कान्यकुब्ज शहर से भी गुजरे, फिर मथुरा आए, फिर मथुरा से होते हुए घोड़ा मिल ही नहीं रहा था, किसी ने बताया आपका घोड़ा ना वृंदावन में बंध गया है, किसी ने बांध दिया। कृष्ण बोले यार चाहता तो नहीं था जाना पड़ेगा वृंदा, चाहता तो नहीं था, कहां जाना पड़ेगा वृंदा। पूछा कहां बंधा है, तो सैनिकों ने बताया कोई नंद बाबा, नंद बाबा है उनका बंधा हुआ। कह रहे बता जहां से शुरू हुए वहीं आ रहे, वापस नंद के घर पहुंच गया घोड़ा। तो नंद बाबा के घर के द्वार पर ही घोड़ा बंधा था और सारे ग्वाल बाल घोड़े के साथ छेड़खानी कर रहे थे, कभी इधर थे। कृष्ण कहा हमारे कान्हा का घोड़ा है, मस्ती तो करेंगे तेरे साथ, पूंछ खींच रहा कोई कान, घोड़ा बेचारा खड़ा है भगवान का इंतजार कर रहे। नंद सोच रहे हैं अगर लिखा है अनिरुद्ध इस घोड़े का संरक्षक है, रक्षक है, और अनिरुद्ध कृष्ण का प्रपौत्र है, कुछ अंश तो कृष्ण का उसके स्वरूप में भी होगा, अनिरुद्ध का दर्शन होगा, मजा आएगा, कितना अच्छा, मैं अपने बेटे के बेटे के बेटे से मिलूंगा, पर पोता मैं उससे मिलूंगा, मैं कितना अच्छा लगेगा, गले लगाऊंगा, भोजन बनाओ यशोदा, प्रसाद बनाओ, यदुवंश सेना आ रही है। सब लोग तैयार थे, इतने में क्या देखते हैं घोड़े पे आरोहण यदुवंश सेना का संरक्षण करते हुए कौन चले आए, अरे भाई अब तो क्या कहना है, मांगा था अनिरुद्ध आ गए कृष्ण। कृष्ण भगवान का सत्कार देखिए, कृष्ण भगवान तुरंत घोड़े से उतर के नंद बाबा को दंडवत प्रणाम कर दिए, दंडवत माता पिता को प्रणाम। आज के समाज में लोग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, कृष्ण अपनी शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने नंद बाबा को 125 वर्ष बाद मिला, 100 वर्ष बाद मिला, छोड़ के चला गया था, लेकिन जब मिलूंगा तब प्रणाम, प्रेम संस्कार पूरे धूल में हो गए। भगवान को नंद बाबा ने ऐसे कंधे से पकड़कर उठाया और आलिंगन किया, कहा कृष्ण क्यों चले गए थे छोड़कर तुम, क्या एक बार भी तुम्हें हमारी याद नहीं आई। और बहुत विफल होकर के आंखों से ये धारा निकल रही आंसुओं की, कृष्ण कह रहे बाबा आप क्यों रो रहे हैं, और खुद भी रो रहे हैं। यशोदा जी भी रोने लग गई, मधुमंगल आदि भक्त भी आ गए, सब रो रहे हैं, और वहां पर ऐसा लग रहा है समुद्र आ गया, गंगा सागर प्रकट हो गया, वहां अभिषेक पे अभिषेक हो रहा है भगवान से कृष्ण का, दूध दही से पंचामृत से नहीं, अश्रुपूरित नेत्रों से अभिषेक हो रहा है। लेकिन ग्वाल बाल एक चीज सोच रहे हैं, कह रहे इस व्यक्ति का नाम तो कृष्ण है पर कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण कैसे थे। ग्वाल बालों को याद है भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमें भगवान का स्वरूप हमेशा स्मरण रहे। यहां भगवान दो दिन से दर्शन दे रहे हैं, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि कल भगवान ने कौन सा वस्त्र पहना था, यही था, हाँ भगवान का स्वरूप देखे। जब भी दर्शन करने जाए मंदिर में, बाहर निकल के परिवार से पूछे कौन से रंग के कपड़े थे आज भगवान के, बोलेगा ऐसे पीले, अच्छा हाथ में कौन से रंग का कंगन था, कह रहे लाल लाल रंग का था, अंगूठी कौन से रंग की थी, डिटेल में जाना पूरा कृष्ण के दर्शन में, इसको भक्ति कहते हैं। जिससे आप प्यार करेंगे, जिससे आप प्रेम करेंगे, उसके बारे में अधिक जानकारी लेना ये अनिवार्य हो जाता है। बेटी का विवाह करते हैं तो लड़के के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बेटे का विवाह करते हैं तो लड़की के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ऐसे कृष्ण दर्शन में डिटेल, आज किस रंग की बिंदी लगाई थी, कड़े किस रंग के थे, नेत्र का रंग कैसा था, कुंडल कैसे थे। 100 साल बीते जाने पर हमने तो कली का पूछा है, 100 साल बाद याद रहेगा कि कौन से रंग के थे, नहीं याद। ग्वाल बालों को याद है कृष्ण क्या कहते, कैसे दिखते थे, कह रहे कृष्ण वो जो कृष्ण थे ग्वाल बाल कृष्ण, उनका वसंत ऋतु में कमल खिले हुए का जैसा रंग था, अधर पर मुरली विराजमान रहती थी, पीतांबरधारी वस्त्र पहनते थे, कौस्तुभ मणि गले में लटक रही थी, कानों में मकराकृत कुंडल झलमल झलमल करते थे, सुगंधित चंदन का लेप यशोदा माई लगाती थी, मालती पुष्प की माला पहनते थे। लेकिन ये जो है ये वो नहीं, इनके अंदर बहुत परिवर्तन है। ये कैसे हैं, राजा हैं, द्वारकाधीश राजा बन गए, लेकिन ये वो नहीं है जिनसे हम प्रेम करते थे, ग्वाल बाल स्वरूप।
उनके ओठ बिम फल के समान अनार के जैसे लाल लाल मीठे रंगीले रसीले ओठ होते थे कृष्ण के। ये कौन है? ऐसे व्यक्ति खड़ा है, राजसी वेश में मुकुट लगा करके तलवार लेकर के राजा का वेश। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट करा, ग्वाल बालों वाला। जब स्वरूप प्रकट हुआ, अब उसके बाद तो फूट फूट कर ग्वाल बाल रोने लग गए, बोले कृष्ण कहां चले गए थे, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? कृष्ण कहते हैं, अरे भूलूंगा तो याद आएगी, भूला ही कब था, रात दिन तो तुम लोगों का नाम दुनिया माला जप करती है मेरे नाम की, और मैं किसके नाम का जप करता हूं? भक्तों के नाम का। आप बोलते हो हरे कृष्णा, कृष्ण बोलते हैं उत्तम नगर के भक्त। भगवान का नियम है, भागवत में वर्णन है, भगवान की दिनचर्या के नाम से अध्याय है। भगवान सुबह उठते हैं 3 बजे, उठ करके अपने सिंहासन को छोड़ करके और तुरंत स्नान आदि करके ध्यान में बैठ जाते हैं, जप करते हैं। कृष्ण भी जप करते हैं, किसका करेंगे, वो तो खुद ही भगवान है। किसका करते हैं? भक्तों का जप करते हैं। कृष्ण कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा रथ चलाइए, ड्राइवर बनने के लिए कहा, ड्राइवर बनने को तैयार है। नंद बाबा कहते हैं लाला मेरे जूतियां छूट के कमरे में ला देगा, बाबा के जूतियां उठाते हैं छोटे से लाला 3 साल के, एक जूती रखते हैं, दूसरी रखना चाहते हैं सिर पे तो पहली वाली गिर जाती है, फिर ये वाली उठा के रखते हैं तो ये वाली गिर जाती है। दोनों जूतियों को बैलेंस करते करते लाला लेके आ रहा है, सिर पे रखकर चरण पादुका नंद बाबा की। भगवान अपने भक्त को सिर पे रख लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? भक्त। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते 4 काम करो, मन मना मन में मेरा चिंतन करो, मद भक्तो जप करके मेरे भक्त बन जाओ, मध्याजी मेरी पूजा करो आरती उतारो, माम नमस्कुरु और मुझे ही नमस्कार करो। लोग बोलते भगवान को क्या चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गाना, भगवान ने कहा ये चाहिए मुझको। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियो असि मे। हे अर्जुन मैंने तुम्हें ये बात बता दी है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, सखा हो, वरना मैं लोगों को बताता नहीं। तो ये भगवान ने बोला मन मना भव। इस प्रकार से ग्वाल बाल का रूप लेकर के आ गए और सारे ग्वाल बाल सखाओं ने, अनिरुद्ध ने महावन में यमुना के किनारे शिविर डाल दिया। महाभोग राजभोग बनाए गए, कृष्ण को खिलाए गए राजभोग। कृष्ण के लिए जो सबसे बेस्ट हो वो बनाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए उनको। ये नहीं कि रूखा सूखा चिरौंजी दाना खिला दिया, बोले बस हमारे घर ना लड्डू गोपाल है, बहुत सेवा चलती है, क्या खिलाते हो? चिरौंजी दाना सुबह, दोपहर में चिरौंजी जाना, रात को भी चिरौंजी। अरे चिरौंजी लाल कितना खाना खुद खाता है अपने पेट में, भगवान को खिला के खाएगा तो पाप रहित हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजभोग महाभोग बनाए, कृष्ण को खिलाए गए। लाकर के वृंदावन के अंदर राधा रानी को पता चला कृष्ण आ गए, अब तो रहा नहीं गया, कहा कृष्ण आ गए, 625 साल से इंतजार कर रही हो, कब आएंगे कृष्ण, आ गए मेरे कृष्ण, कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं। रत्न सिंहासन बनाया गया, रत्न सिंहासन बनाया गया, रत्नों का सिंहासन, उस पर कृष्ण को बिठाया गया। राधा रानी चरणों का अभिषेक करने के लिए आई हैं। 100 वर्षों में श्रीमती राधा रानी ने कभी श्रृंगार नहीं किया, राधा रानी ने श्रृंगार नहीं किया, इसीलिए हम अपने विग्रहों को हार नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो हम उस रूप की सेवा करते हैं जिसमें वो कृष्ण से दूर है। अगर हम कृष्ण के साथ वाले रूप की सेवा करते हैं तो उसमें राधा रानी श्रृंगार करती है, जैसे यहाँ श्रृंगार हुआ है। हमारे घर में जो लाल बल्ब के नीचे भगवान बेचारे गर्मी खाते रहते हैं, वो भगवान वो वाले हैं जिनको कोई पूछता नहीं, राधा रानी भी वैराग में रहती हैं। 100 वर्षों तक राधा रानी ने श्रृंगार नहीं किया, यहां तक कि किसी मिठाई को भोग नहीं किया, मिठाई नहीं खाई, बोले जब कृष्ण ही जीवन में तो खाएं क्या, मिठाई क्या खाएं, और यहां तक कि सैया के ऊपर विश्राम भी नहीं किया, बेड पर नहीं सोती है, जमीन में सोती है। क्यों क्यों सो रही है, क्यों क्यों
क्यों बताओ, क्यों कर रही है ये सब? कृष्ण नहीं है जीवन में, हमारे जीवन में है क्या कृष्ण? तो हमारी शिक्षा दे रही हैं, ऐसा जीवन गुजारो, रसगुल्ले गोल हरी बोल हरी बोल, हमारा जीवन ऐसा है। राधा रानी कह रही है अगर कृष्ण है, हरि नाम जपते हो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लो, लेकिन आप हरि नाम नहीं जपते हो, कृष्ण जीवन में नहीं है, तो तुम्हें प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है, ये मेरा जीवन है, 100 वर्षों तक न श्रृंगार, 100 वर्षों तक न आहार, 100 वर्षों तक न सोना, कुछ नहीं किया राधा रानी ने, कृष्ण के बिना कुछ नहीं, लाइफ बेकार, एकदम नीरस लाइफ। जीवन का रस ही कृष्ण भक्ति है। तो इस प्रकार से 100 सालों तक राधा रानी जब नहीं मिली, आचार्यों ने वर्णन किया है कि कृष्ण ने ये किया ही क्यों। सुबल सखा ने एक बार सिर्फ इतना बोल दिया था, वो बहुत विशाल लीला है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा समय के कारण, श्राप दिया कि तुम लोगों ने मुझे सताया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा 100 सालों तक। एक भक्त की वाणी को पूरा करने के लिए कृष्ण ने कहा चलो ये भी मंजूर। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सीता मैया को एक भक्त के कहने पर कि भक्त नाराज ना हो जाए, अपने जीवन में कुछ हो जाए चलेगा, राजा का यही नियम है, जो राजा होता है ना उसको प्रजा की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। आज के राजा जैसे नहीं होते हैं, अपने वोट की चिंता होती है, प्रजा जाए लेकिन पहले राजा कैसे थे, एक व्यक्ति भी प्रजा का दुखी है। जब राम को पता चला कि धोबी ने कह दिया है कि अगर मेरी पत्नी ऐसे रह के आती तो मैं निकाल देता, 10,000 साल हो चुके थे रहते रहते रावण को युद्ध छोड़े हुए, 10,000 साल बाद भी ये कान में पड़ा, तो सीता जी कहती हैं राम जब आपने गद्दी ली थी तो आपने प्रण लिया था कि मेरी प्रजा दुखी नहीं होगी, अगर प्रजा में कोई दुखी है तो आप भूल गए अपना प्रण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आपने वचन दिया था मेरी प्रजा दुखी नहीं होगी। भगवान राम बोले सीता जी प्रजा को सुखी करने के लिए क्या आपको अपने से दूर कर दूं? सीता जी कहती है कभी शक्ति शक्तिमान से दूर होती है क्या, मैं तो आप ही की शक्ति हूं, सदा आपके साथ रहूंगी, लेकिन लीला करने के लिए मेरा वियोग सही है, क्योंकि वियोग में अधिक प्रेम होता है, इसको विप्रलंब भाव कहते हैं, मूड ऑफ सेपरेशन। तो एक है सकिया रस, एक है परक्रिया रस। सकिया रस में लोग साथ रहते हैं, परक्रिया में दूर रहते हैं। अच्छा आप बताओ, आपके जो प्रेमी हैं उनके साथ रह के ज्यादा अच्छा लगता है जब दूर चला जाते हैं, जब ज्यादा है उनकी याद आती है, जब दूर चले जाते हैं तो मन करता है जब आएंगे ना इस बार ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन फिर आते हैं तो फिर ऐसा तैसा जैसा तैसा ऐसी की तैसी हो जाती है, फोन करके बोलते हैं आप आइएगा ऐसा करेंगे, पर जब सामने आते हो ऐसी की तैसी। तो भगवान कह रहे हैं जितना विप्रलम रहोगे, दूर रहोगे, उतना ज्यादा आनंदपूर्ण जीवन। हमारे भाव में ये ज्यादा अधिक भाव है, साथ रहने से अच्छा दूर रहना, इसमें प्रेम अधिक। तो श्रीमती राधा रानी ने इसलिए ये सहा ताकि संसार को विप्रलम भाव, दूर रहने का ज्यादा अधिक प्रेम का भाव प्रदान कर सके। कृष्ण कहते हैं हम दोनों तो एक ही स्वरूप है, राधा रानी तुम क्यों ऐसी बातें पूछती हो कि कृष्ण तुम कहां चले गए थे, हम दोनों में कोई भेद है क्या, हम दोनों तो क्या है एक ही स्वरूप के बने हुए हैं, तो तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले भी तुम्हारे साथ था लेकिन और अब तो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, और चिंता मत करो जल्दी ही हम अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, तुम मैं और सभी हम सब गोलोक धाम को वापिस चले जाए। ये बात सुनकर राधा रानी बड़ी प्रसन्न रहती है, अब हम गोलोक धाम जाएंगे, बहुत वर्ष हो गए कृष्ण आपके साथ में झूले पे गोलोक धाम की रास मंडल में बैठे हुए, वहां मैं प्रकट हुई थी रास मंडल में सेवा करने के लिए, आप मुझे भौम वृंदावन लीलाओं में ले आए और मैं यहाँ लीलाओं में आई, 25 साल लीला करी और 100 साल मैंने विप्रलम वियोग की लीलाएं करी आपके साथ, लेकिन आपका बहुत स्मरण रहा, बड़ी प्रसन्न हो गई ये बात जानकर के। कृष्ण बोलते हैं खाली तुम ही नहीं, सभी व्रज वल्लभियां जितनी मुझे प्रेम करने वाली सखियां गोपियां सब हम गोलोक धाम में वापस जाएंगे। तो कहा कैसे करेंगे, कहा जो ये महीना आता है जो चल रहा है वैशाख मास, ये महीना वैशाख मास, वैशाख मास की पूर्णमासी, वैशाख मास की पूर्णमासी के दिन लीला होगी, वैशाख मास की पूर्णमासी से प्रारंभ होगी पर अंत होगा उसका द्वितीया पे, वैशाख के बाद कौन सा महीना आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ की द्वितीया को, ज्येष्ठ द्वितीया को हम गोलोक गमन की लीला करेंगे। तो वैशाख मास जो उसमें हमने कथा प्रारंभ करी परसों,
और एक महीना जब पूर्ण होगा तो उसे पूर्णमासी कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है। पूर्णमासी का दिन वृंदावन में एक स्थान था सिद्ध आश्रम, तो सिद्ध आश्रम में गणेश जी का मंदिर था। नियम था सभी ब्रजवासी वहां जाते थे विघ्न विनाश की प्रार्थना करने के लिए, किसके? कृष्ण के। लेकिन वो ये जानते नहीं है प्रेम भाव में कि कृष्ण तो स्वयं ही विघ्न विनाश करने वाले हैं। शास्त्र में वर्णन है, गणेश जी कहते हैं, मैंने जो थोड़ी बहुत भी विघ्न विनाश करने की शक्ति प्राप्त करी है वो मैंने भगवान केशव कृष्ण से प्राप्त करी, वो मेरे गुरुदेव हैं। मैं खाली भौतिक संसार के कष्ट हर सकता हूं, पर कृष्ण आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संसार के कष्टों को हर सकते हैं, और उनको हरने के लिए वो अपना नरसिंह रूप प्रकट करते हैं। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरि। तो किसी को अगर विघ्न हरने हो तो क्या बोलना चाहिए? तव कर कमल वरे न काम अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्य कशिपु तानु भृंग केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तव कर कमल भरे नख अद्भुत सिंगा जगदीश हरे केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये अंतिम पड़ाव इस लीला का, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गणेश मंदिर में सब आते हैं, यशोदा माई, देवकी, वसुदेव और द्वारका से सब द्वारका से आ जाते हैं। जितने भी यदुवंशी थे सब वहां आ जाते हैं, और उस वृंदावन में स्थान पे राधा रानी जैसे ही गणेश की प्रार्थना करती हैं, गणेश जी कहते हैं, अरे माई आप तो जगत माता हैं, आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? मैंने ही तो कृष्ण से कृपा प्राप्त करके विघ्न हरने की शक्ति प्राप्त करी है। दुनिया नरसिंह की पूजा करती है, केशव की पूजा करती है, आप उनकी अंतरंगा शक्ति हैं, आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रही हैं? कहा बस एक चीज चाहती हूँ, कृष्ण ने अब एग्रीमेंट दे दिया है कि वो मुझसे साथ में लेके गोलोक धाम वापिस जाएंगे, तो अब उनका मूड चेंज ना हो, यही इच्छा है। गणेश जी बोले, अब मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं माता? मेरी इच्छा तो आप सदा पूरी करती है, मैं तो आपका पुत्र हूं। इतने में पार्वती माता आ जाती हैं, विग्रह से प्रकट होकर के पार्वती माता राधा रानी कहती हैं,
पार्वती कहती है, हे राधा रानी, आप कैसा मजाक उपहास करती हैं मेरे पुत्र के साथ में, ये तो बेचारा छोटा सा बच्चा है आपका, आप इससे कह रही है विघ्न हर लो, यही तो पूजा करता है तपस्या करता है तब तो इसको आपसे कृपा प्राप्त होती है, आप इससे कह रही है मेरे विघ्न दूर कर दो। तो इस प्रकार से पार्वती के कहने के बाद में सभी देवी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हाँ, शिव जी, दुर्गा जी, पार्वती, गणेश, सभी देवी देवता, इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य सब आते हैं। सब कहते हैं श्रीमती राधा रानी का वापस जाने का समय की लीला हो रही है, सब देखने आए। वासुदेव जी ने एक यज्ञ आयोजित किया था और उस यज्ञ में कहा कि हम आज के दिन यज्ञ करेंगे, क्योंकि आज वैशाख पूर्णमासी है, वैशाख के महीने में यज्ञ करने का बहुत महत्व है। पद्म पुराण में लिखा है जो वैशाख में कथा सुनता है, कथा करता है, नाम जपता है, भगवान को दान देता है, मंदिर निर्माणों में सेवा करता है, उसको नॉर्मल दिनों से, साधारण दिनों से 100 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। तो इन 3 दिन की कथाओं को जिसने श्रवण किया होगा उसको कितना फल मिलेगा श्रवण का? 100 करोड़ गुना। पद्म पुराण का व्याख्यान है, हम अपने मन से नहीं बोल, सोच के देखिए। कार्तिक की महिमा है, वैशाख की महिमा है, मार्ग शीर्ष महीने की महिमा है, हर महीने में कृष्ण की महिमा है, लेकिन कार्तिक पुरुषोत्तम मास, वैशाख बहुत बहुत ही, हर महीना उत्तम है लेकिन उत्तम में भी उत्तम नगर है, उत्तम महीना है, उत्तम मास है वैशाख कार्तिक। तो इस तरह से सभी लोग वहां पर आए, मधुमंगल आदि सभी भक्त वहां पर आए और उन्होंने कहा एक भक्त के श्राप के कारण आप लोगों को दूर रहना पड़ा, अब समय आ गया है कि अब आप दोनों साथ में लीला करें। द्वारकाधीश कृष्ण ने यज्ञ के बाद में अपने एक अंश को, नारायण स्वरूप को, देवकी नंदन कृष्ण को वापस द्वारका भेज दिया। वसुदेव को, देवकी को, द्वारका को, यदुवंशियों को, द्वारका वासियों को, सबको द्वारका भेज दिया। और कौन रह गए? यशोदा नंदन कृष्ण वहीं वृंदावन में रह गए। पहले अप्रकट रूप में थे, अब प्रकट रूप में दोबारा दिखाई देने लग गए, दिखाई दे रहे हैं। और सभी लोगों ने मिलकर के राधा कृष्ण के लिए एक रत्न सिंहासन बनाया है और उस रत्न सिंहासन पे विराजमान किया है। विराजमान करके वहां पर सभी अष्ट सखियां, मंजरियां, जिनका हमने पिछले विगत 2 दिनों में वर्णन किया, सब मिलकर वहां पर आरती उतार रही है। राधा कृष्ण की आरती चालू हो गई। राधा रानी कहती हैं, अरे कृष्ण, मेरे मन में यमुना विहार की इच्छा उत्पन्न हुई। कृष्ण कहते हैं, मैं यहां पर लीला समाप्त करना चाहता हूं तो मैं यमुना लीला की पड़ी। ठीक है राधा, तुम्हारी इच्छा है तो हम यमुना विहार लीला करें। एक दिन यमुना विहार लीला होती है और उस यमुना विहार लीला के अंदर राधा कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा सभी यमुना स्नान के लिए जाते हैं। एक योजन बड़ा रथ, एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, इतना बड़ा रथ उत्तम नगर में आएगा? गली में फंस जाएगा, जाम लग जाएगा। एक योजन बड़ा रथ आया और उसमें बैठकर यमुना विहार लीला करने गए। यमुना लीला समाप्त होने के बाद में सभी को मिठाइयां खिलाई गई, भोजन खिलाए गए, बहुत आनंद उत्सव हो रहा है, एकदम हृदय एकदम ऐसा भर गया है आह राधा कृष्ण का दर्शन पा करके। तभी कृष्ण कहते हैं, कल हम सब लोग भांडेर वन जाएंगे। कहां जाएंगे? वहां पे क्या हुआ था? विवाह हुआ था और गोलोक गमन की लीला भी भांडेर वन में। हरि बोल। भांडेर वन ले गए यशोदा जी को, नंद बाबा को, सभी सखाओं को, सभी व्रज गोपियों को, व्रज वल्लभियों को राधा कृष्ण लेके गए। कृष्ण भगवान ने प्रवचन दिया, लेक्चर, कृष्ण ने वहां पर कथा करी, प्रवचन दिया और किस पे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम। भगवान कृष्ण ने जन्म मृत्यु चक्र समाप्त करने का लेक्चर दिया। नंद बाबा को पास में बिठाया क्योंकि सब दुखी थे, तो सबको धाम में ले जाने से पहले बाबा के मलहम लगाना चाहते थे कृष्ण। किसी को दुख ना हो, मैं 100 साल दूर रहा, बोले बाबा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र छूटना ये बड़ी प्रॉब्लम है, 100 साल दूर रहे पास रहे ये बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर बताया कुछ ही समय में कलयुग प्रारंभ होने वाला है और द्वापर युग का अंत होगा,
इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं, आप लोग वापस गोलोक धाम चले जाइए। उधर मैं गुजरात से गोलोक धाम आ जाऊंगा, यदुवंशी आपस में लड़के गोलोक धाम आ जाएंगे, हम सबको यहां से जाने का समय आ गया। यदुवंश में आपस में युद्ध करा के यदुवंशी चले गए। भगवान श्री कृष्ण जर लीला करके, एक जरा ने, एक शिकारी ने तीर मारा, पैर में तीर लगा, भगवान ने लीला करी, भगवान सच्चिदानंद विग्रह गोलोक धाम को गए। और यहां पर क्या हुआ, उन दो लीलाओं से पहले की ये लीला, कथा सुनाते सुनाते गोलोक धाम से चार योजन बड़ा रथ, चार योजन कितना किलोमीटर हुआ, 12 से 4 को गुणा करो, 46, अरे नौकरी से निकाल देंगे आपको, 46, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर बड़ा रथ आया। उस रथ के अंदर कई कमरे हैं, कई सिंहासन हैं, और बीच में कमल दल रूपी सिंहासन है। तो भगवान ने राधा रानी से कहा, अब समय आ गया है कि आप कलयुग आने से पहले वापस धाम को चले। राधा रानी कहा कि कलयुग में मैं नहीं आऊंगी। कृष्ण कहते हैं कलयुग में मैं भी आऊंगा और तुम भी आओगी, पर हम युगल रूप में आएंगे एक साथ। श्री कृष्णा चैतन्या, श्री राधा कृष्णा ना ही अन्य। राधा और कृष्ण युगल रूप में प्रकट होंगे। राधा रानी के चरणों में 19 चिन्ह हैं, कृष्ण के चरणों में भी 19 चिन्ह हैं, जिससे वो परम भगवान है। और गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में 32 शुभ चिन्ह हैं, जिससे वो आदि पुरुष बन जाते हैं। भगवान गोलोक धाम में अकेले थे, उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया राधा रानी को, तो वो जो गोविंद है उनको गौरव भी कह सकते हैं। उन्होंने अपना विस्तार किया आनंद के लिए अपनी शक्ति का। तो राधा कृष्ण मिल गए गौरंग महाप्रभु बोलना ये ठीक नहीं है, स्वयं कृष्ण ही गौरांग है, जिनके चरणों में 32 शुभ चिन्ह है, बहुत ऊंचे। इसलिए कलयुग में गौरंग महाप्रभु की भक्ति, 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने शास्त्र में वर्णन कर दिया, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भगवान प्रकट होंगे। लोग कहते कल की भगवान आएंगे, कल की आएंगे, कलयुग के अंत में आएंगे, कल की लीला अवतार है, युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु है। सतयुग में एक युग अवतार होता है, त्रेता में दूसरा, द्वापर में तीसरा, और कलयुग में चौथा। सतयुग में भगवान हंस के रूप में आते हैं, सफेद रंग के। त्रेता में भगवान यज्ञ के रूप में आते हैं, लाल रंग के, वर्ण कलर भी बताया लाल वर्ण के। द्वापर में भगवान श्याम सुंदर पीत वर्ण का वस्त्र पहन के श्याम रंग के आते हैं, और कलयुग में भगवान गोरे रंग के बनकर आते हैं। तो इसलिए चेतन महाप्रभु युग भगवान है, युग धर्म, युग भगवान, कलयुग के भगवान है चेतन महाप्रभु, जो राधा कृष्ण एक ही रूप में है। कृष्ण का अंदर और ऊपर स्वरूप राधा रानी का भाव, अंग कांति राधा रानी। चेतन महाप्रभु ने सिखाया हरे कृष्ण महामंत्र जपने से सभी कलयुग के कलमश नष्ट हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की विपदाओं को हम छोड़ सकते हैं, अगर हम निरंतर अहिर्निश जप करते रहे। चेतन महाप्रभु सुबह से शाम तक बहुत बड़ा प्रचार नहीं करते थे, बस एक ही चीज क्या बोलते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हरि नाम देने के लिए। राधा रानी को कृष्ण ने बता दिया कि मैं कलयुग में आऊंगा, और पुराणों में वर्णन है, नरसिंह पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, भागवत पुराण, जो उठाएंगे उसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और जिन्हें हम भगवान बोलते हैं वो कौन से पुराण में व्याख्यान है बताइए, वो मालूम नहीं हम। पद्म पुराण में वर्णन है गौरंग महाप्रभु के बारे में, कलियो प्रथम संध्यायाम, कलयुग की जब प्रथम संध्या आएगी, 4,32,000 वर्षों का यह कलयुग है, उसकी प्रथम संध्या आएगी द्वापर से जब कलयुग प्रारंभ होगा, अभी 5,000 साल बीते हैं। कलो प्रथम संध्यायाम गौरांगाथम महीतले, गोरे रंग के भगवान वृक्ष के नीचे प्रकट होंगे, कैसे, भगीरथी तटे रमे, भगीरथ नदी के किनारे, कौन सी है भगीरथी, गंगा, गंगा के किनारे, और नाम क्या होगा, भविष्यामि सची सुतः, सची माता के पुत्र बन के,
व्रजेंद्र नंदना जेई, जो व्रज के नंदन थे, व्रजेंद्र नंदन जेई सची सुता हैला से, वही सच्चे के पुत्र बन के आएंगे। शास्त्रों में वर्णन, राधा रानी को भी भगवान कृष्ण ने बताया हम दोनों साथ आएंगे, इसलिए राधा रानी समय आ गया है आप इस पे आरूढ़ हो जाइए। राधा रानी कहती है फिर आप मुझे छोड़ रहे हैं कहीं, ऐसा तो नहीं कि आप आए ना मैं अकेली गोलोक चली जाऊं। कृष्ण बोले आप पहुंचिए तो मैं मुझे वहां पाएंगे। राधा रानी चढ़ गई और साथ में व्रज गोपियां, कितनी गोपियां थी कृष्ण की, 63 करोड़, कितनी 63 करोड़ गोपियां, उसमें से जो मुख्य गोपियां थी मंजरियां थी वो अपने स्वशरीर रथ में विराजमान हुई, और जो अन्य गोपियां थी उन्होंने अपने भौतिक देह का त्याग करके आत्मा रूप से रथ में आरूढ़ हुई। नंद बाबा यशोदा ये भी रथ में बैठे, और देखते देखते ही ये रथ धीरे धीरे भांडेर वन से उठना शुरू हुआ और कहां जाने लगा, गोलोक धाम। कुछ लोग बोलते हैं राधा रानी के साथ ऐसा हुआ तो राधा रानी कैसे मरी, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए मरी। कृष्ण भगवान और राधा रानी प्रकट और अप्रकट होते हैं, मरते नहीं हैं। जैसे सूरज दिल्ली में जब रोशनी करता है हिंदुस्तान में, और रात को जब चला जाता है तो अमेरिका में रोशनी करता है, हम ये नहीं कहते शाम हो गई है सूरज मर गया। सूरज अपीयर होता है डिसअपीयर होता है, प्रकट होता है अप्रकट होता है, उदय होता है अस्त होता है। ऐसे ही कृष्ण उदय होते हैं अस्त होते हैं, कृष्ण प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, राधा रानी प्रकट होती हैं। और लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार कैसे हुआ, अंतिम होगा कैसे, सच्चिदानंद स्वरूप से विमान में आरूढ़ हो गए नंद बाबा यशोदा सब, और व्रज मंडल से होता हुआ कहां चला गया, गोलोक धाम। जब गोलोक धाम पहुंचे राधा रानी तुरंत अपने रथ से उतरी, शतश्रृंग नामक पर्वत जो हमने बताया था गोवर्धन वन के प्रकट हुआ, शतश्रृंग पर्वत के पास पहुंची और वहां से सबसे पहले दौड़ती हुई रास मंडल में गई। रास मंडल में 100 करोड़ गोपियां पहले ही गोलोक में थी, पहले से ही 63 करोड़ अपने साथ ले आई। वो सब गोपियों ने, उनकी हेड थी वृंदा देवी तुलसी महारानी, वृंदा देवी ने स्वागत किया, आइए आइए राधा रानी आप अपनी भौमी वृंदावन की, भौम वृंदावन की 125 वर्षीय लीलाएं समाप्त करके आई है, आइए आपका स्वागत है। राधा रानी रास मंडल में प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठ गई। नंद यशोदा रास मंडल में नहीं आए पर वो गोलोक चले गए, लेकिन रास मंडल में कौन आई, गोपियां मंजरियां और श्रीमती राधा। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी वृंदावन से इस भूमि पे प्रकट होती हैं हम सबको भक्ति प्रदान करने के लिए।